छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे मेरे हारे हैं बाजी, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही। देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा, हीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। सिरदर्द
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान को याद कर रही है द्रौपदी, हे भगवान कहाँ हो, कहाँ पर सोए हुए हो, कम से कम मेरा ख्याल तो करो। यह पापी, और जब दोनों हाथों को उठा करके भगवान को अपने आप को समर्पण किया है, भगवान अब तो आप ही हो सर्वस्व। तो देखिए सत्यभामा और रुक्मणी के पास में बैठी भगवान जब बातें कर रहे थे ना, तो एक पल मात्र में यहां से निकल गए और वहीं आ गए जहां पर द्रौपदी है। और देखिए जिस साड़ी को यह दुशासन खींच रहा था ना, इसे बढ़ाना प्रारंभ किया मेरे प्रभु ने, कभी न खत्म होने वाला अक्षय कर दिया इसे, कभी न खत्म होने वाला। और ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन से खींचते खींचते थक गया, पसीना पसीना हो गया, गिर गया, पछाड़ खा के बेहोश हो गया, फिर खड़ा हुआ, फिर खींचा, लेकिन यह साड़ी को तन से अलग नहीं कर पा रहा है। और जिस सभा में जहां सुरक्षा करने के लिए परमपिता परमात्मा आ जाए, वहां किसी दुशासन का बल काम नहीं करता है, किसी पापी का बल काम नहीं कर सकता है। ये नेत्र बंद करके भगवान को मना रही है, गोविंद उनकी सुरक्षा करने में लगे। सभासदों की आंखें खुल गई हैं कि जो यह करना चाह रहा है ना, यह कर नहीं सकता, क्योंकि जहां जिसकी सुरक्षा करने के लिए चक्र सुदर्शन वाला आ गया हो, वहां संसार का कोई भी महारथी काम नहीं कर सकता। थोड़ी आंखें खुली, हृदय के पट खुले, बैठे हुए सभासदों ने कहा, भैया यह घर की बात है, कोई बात नहीं, रहने दो। दुर्योधन मान जा, धृतराष्ट्र को समझाया, भीष्म आदि कृपाचार्य लोगों ने, तुम्हारे आंखें तो है ही नहीं, लेकिन हृदय की आंखों तो खोल के तो देख लो कम से कम के क्या हो रहा है, है? यह तुम्हारा पुत्र है, अगर तुम इसे कहोगे तो यह मानेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज धृतराष्ट्र मजबूर हैं बेचारे, मन तो नहीं है, लेकिन सभासदों का, प्रजाजनों का और सभी बड़ों का जब प्रेशर पड़ रहा है, तो उसने कह दिया, दुर्योधन से कोई बात नहीं है भैया, ऐसा करो, यह घर की बात है, अपने घर की, भाई भाई हैं ये, इसलिए इनका राज्य ने वापस कर दो और जाने दो, तुम अपने राज्य में, तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास, इनका राज्य इनके पास, घर की बात है, भूल जाओ इस बात को। लेकिन दुर्योधन ने न चाह करके भी मान तो लिया है, लेकिन मामा शकुनी ने नई योजना बना करके तुरंत तैयार कर दी, ठीक है आप कह रहे हैं तो हमें स्वीकार है, इनका राज्य वापस दे दो इन्हें, लेकिन बशर्ते अगर आपने इन्हें इनका राज्य दे दिया ना महाराज, तो यह खेल केवल बच्चों के खेलने का रह जाएगा, राजाओं का नहीं, महाराजाओं का नहीं। इसलिए हम यह नहीं कहते कि यह हमारे भाई नहीं है, यह हमारे सगे संबंधी नहीं है, इन्हें कुछ दिया ना जाए, दे दो सब, लेकिन बसर थोड़ा सा दंड जरूर दो इन्हें, थोड़ा सा अपराध। और वह क्या करना है, थोड़े से के लिए क्या कहा है पता है, बड़ी अच्छी योजना बना करके रखी थी दूसा या शकुनी के द्वारा, और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया है। ये 12 वर्ष वन में रहेंगे, और 12 वर्ष वन में रहने के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास माने छिप कर के रहेंगे, कहीं भी ढूंढने पर यह किसी को न पाए, कोई भी न जान न पाए, पहचान ही न पाए, 1 वर्ष ऐसे व्यतीत करेंगे यह, और अगर ऐसा यह कर लेते हैं तो इनका राज्य न मिल जाएगा। अब मामा शकुनी ने तो बड़ी अच्छी योजना बनाई है, कितना बड़ा साम्राज्य है, 1 वर्ष में तो जमीन के अंदर भी छुपेंगे ना रह करके, तो सारी जमीन को खोद देंगे, 1 वर्ष में तो ढूंढ लिया जाएगा, और जब पहचान लेंगे तो फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। देखिए शकुनी ने बड़ी अच्छी योजना बनाई है, मेरे भांजे दुर्योधन का जो कांटा है ना, यह सदा सदा के लिए निकल जाएगा, यह वन में रहेंगे और यह राज करता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पांडव वन के लिए चले गए, लेकिन दुर्योधन यहां बड़ी तैयारी कर रहा है,
और भगवान कृष्ण ने भी कह दिया है पांडवों तुम वन में ऐसी भांति मत विचरण करो, इसलिए वन में बहुत से अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति पांडवों ने भी की है। भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपत नाम का अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया है। और देखिए देव मार्ग में जाकर देवताओं के द्वारा दिव्य अस्त्रों की खोज भी अर्जुन ने की है, क्योंकि वह जानते थे कि युद्ध तो होना निश्चित है। ये 12 वर्ष पूरे होने के बाद एक वर्ष अज्ञातवास का विराट की राज्य में रह करके इन्होंने छोटे से राज्य में रह करके व्यतीत किया है महा। और जब पांडवों ने यह एक वर्ष पूरा विराट के यहाँ रह करके संपन्न कर लिया, 13 वर्ष जब पूरे हो गए तो किसी सुंदर संदेश को देकर के आज दूत भेजा गया है, लेकिन यह दूत धृतराष्ट्र महाराज के पास में नहीं पहुंच पाता है। दुर्योधन से बीच में से लौटा देता है, जाकर के कह दो पांडवों को हम कुछ देने वाले नहीं है, अगर पांडवों को कुछ चाहिए ना तो हमसे युद्ध करें, आकर बिना युद्ध के हम कुछ नहीं देंगे उन्हें। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज हैं सत्य का प्रतीक, यह चाहते हैं कि कैसे भी मेरा जो संदेश है वो महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचना चाहिए। यह दुर्योधन की बात नहीं, वह क्या चाहते हैं, उनका क्या मन है। और सज्जनों बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा है। भगवान कृष्ण को कहा है भगवान वैसे तो मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन मेरा मन है कि आप हस्तिनापुर मेरे तरफ से शांति दूत बनकर के चले जाएं। यह बात द्रौपदी को अच्छी नहीं लगी है सज्जनों, भीम अर्जुन भी बहुत नाराज हो रहे हैं इस बात पर। बताओ यह द्वारकाधीश कृष्ण शांति दूत बनकर के वहां जाएंगे हस्तिनापुर में, लेकिन यह धर्म नीतिज्ञ राजा है धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, ये केवल यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से युद्ध टल जाए। हमारा जो संकल्प है ना वो बेशक वो पूरा ना हो, लेकिन युद्ध टल जाए कैसे भी, क्योंकि युद्ध होने पर बड़ी हानि होती है सज्जनों। और ये जानते हैं कि केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को बहुत ज्यादा हानि होगी, न जाने कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितना अस्त्र शस्त्र जो कि प्रजा का है, कितना धन जो कि प्रजा का है, वह सब नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा वह करना नहीं चाहते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके हस्तिनापुर भेज रहे हैं। लेकिन माधव ने भी तय मान लिया है मैं जाऊंगा, पर मेरे अपनों का दूत बन करके अगर मुझे कहीं जाना है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। एक बात और है, यह भगवान श्री कृष्ण को ही शांति दूत बना करके भेजा जा रहा है तो क्यों, क्योंकि पांडव नहीं जा सकते हैं, और किसी अन्य दूत को यह भेजते हैं तो दुर्योधन उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने देता जहां तक जाना है, इसलिए भगवान कृष्ण को नहीं रोक सकता है, यह सामर्थ्यवान है, इसलिए भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। बड़ी सुंदर दुर्योधन को पता चला है कि कृष्ण आ रहे हैं हस्तिनापुर के लिए, बड़ा सुंदर देवंगनाओं के द्वारा, बड़ी सुंदर देवियों के द्वारा फूल सुलज्जित नगर गलियों में बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। भगवान के आने पर दुर्योधन ने खींच रहा है कि आप चल करके विश्राम कर लें, थक गए होंगे कृष्ण, थोड़ा सा भोजन कर लें। लेकिन आज भगवान देख रहे हैं दुर्योधन मैं केवल भाव का भूखा हूं, मैं केवल भाव से प्रसन्न होता हूं, तेरी यह व्यंजनों को देख करके मुझे भूख नहीं है, मैंने पा नहीं सकता क्योंकि इसमें दोष है, और जहां दोष है वहां मैं नहीं रहता, मैं तो केवल भाव में होता हूं, भाव का भूखा रहता हूं, और जहां स्वार्थ होता है ना वहां मैं नहीं रहता। दुर्योधन तू सेवा तो कर रहा है भैया, लेकिन तेरी सेवा में निष्कपट केवल स्वार्थ भरा हुआ है, और जहां स्वार्थ होता है वहां परमात्मा नहीं होते। अपने स्वार्थ के लिए कोई भगवान को मनाए तो वह नहीं आते, और जो निस्वार्थ सेवा करता है वहां भगवान आ जाते हैं, भाव से जो बोला। लेकिन भगवान ने दुर्योधन की सेवा को धुतकार दिया, ठुकरा दिया,
हस्तिनापुर साम्राज्य दरबार लगाया, वहां पहुंचे तो दूत वाला स्थान ग्रहण किया। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र महाराज को सूचना देना प्रारंभ किया है, महाराज मैं पांडवों का दूत बनकर के आया हूं, इसलिए आपके प्रिय पांडव, उनका कहना है कि उन्होंने 13 वर्ष वनवास का पूरा कर लिया है, अब उनका राज्य उन्हें वापस देना चाहते हैं या नहीं। दुर्योधन ने बीच में ही खड़े होकर के कहा, नहीं, यह राज्य उन्हें नहीं दिया जाएगा माधव। भगवान कन्हैया ने कहा, सुनो एक बात और कही थी चलते हुए उन्होंने, अगर वह हमारा राज्य हमें न देना चाहे तो 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दें, गुजारा हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, नहीं दे सकते। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज का तो कोई जवाब ही नहीं है, केवल दुर्योधन ही बोल रहा। लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया अगर तुम लोग उन्हें 5 गांव भी नहीं देना चाहते हो तो यह बहुत बड़े महारथी योद्धा हैं पांडव, और किसी अन्य राज्य के शरणागति में रहें तो यह हस्तिनापुर के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम उन्हें अपने राज्य में बुला लो केवल, और कोई भी छोटा मोटा पद देकर के, सैनिक का ही पद देकर के रख लो, वह तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। दुर्योधन ने कहा, नहीं यह भी संभव नहीं है, और माधव मैं तो केवल यह कहता हूं उन पांडवों से जाकर के कह देना बिना युद्ध के मैं उनका मुख देखना ही नहीं चाहता हूं, और देने लेने की तो बात यह है कि मैं उन्हें सुई के अग्र भाग के बराबर भी जमीन या भूमि नहीं दूंगा, तब तक युद्ध नहीं होगा, केवल युद्ध, और युद्ध में मुझे परास्त करने के बाद वह कुछ भी ले सकते हैं। भगवान कृष्ण ने आज धृतराष्ट्र की तरफ देख करके कहा है, आपके मुख से कोई जवाब नहीं मिला है, और महाराज मुझे देर हो रही है क्योंकि मुझे पांडवों के पास पहुंचने से पहले अपने काका श्री विदुर के घर भी जाना है। विदुर जी इसी सभा में थे। सज्जनों, दुर्योधन देख रहा है कि मेरे महलों की सेवा को ठुकरा करके एक झोंपड़ी में जाने के लिए कह रहा है ये कृष्ण, और विदुर जी यहाँ खड़े हैं। देखा है कि भगवान ने कहा है कि मुझे विदुर काका के यहाँ जाना है, तो निश्चित ही पहुंचेंगे, इसलिए दौड़ करके चले गए यहाँ से, और जाकर के विदुरानी को कहा है, सुनो हमारे प्रभु कृष्ण आएंगे, मैं थोड़ी व्यवस्था कर लेता हूँ आने के लिए उनकी उनके लिए, और जब तक तुम नहा धो करके बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाओ। सज्जनों, विदुर जी थोड़ी सेवा की सामग्री इकट्ठा करने के लिए गए हैं, और इधर भगवान कृष्ण विदुर के दरवाजे पर आ गए और दरवाजा खटखटा दिया है, काकी हैं क्या? सज्जनों बड़ी विशेष बात है, यह विदुरानी है ना स्नान करने के लिए बैठी हुई है, और भगवान ने दरवाजा खटखटा दिया है, और विदुरानी के मन में ख्याल आया है कि मैं स्नान कर लूं या पहले दरवाजा खोल दूं जाकर के, लेकिन मन में विचार आया कि स्नान कर लेती हूं पहले, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। एकदम से मन में विचार आ गया, अगर स्नान करते रही ऐसा ना हो कि कहीं कृष्ण चले जाए लौट करके, इसलिए नहीं पहले दरवाजा खोलूं जाकर, और वैसी ही स्थिति में बेचारी बेसुध हो गई और दरवाजे के पास में आ गई और दरवाजा खोल दिया। स्नान करने के लिए गई थी, स्नान करती अवस्था में आकर के दरवाजे को खोल दिया, और दरवाजा खोल करके भगवान को एक टक लगा करके टक टक ही देख रही है, क्योंकि आज पहली बार कृष्ण को देखा है ना, तो वह मन में यह भाव पैदा कर रही है कि यही वह कृष्ण है जिनकी चर्चा मुझसे किया करते थे, वो कितना आनंदमय है, यह कितने सौंदर्यमय, कितना सुकोमल भाव है इनका, और खड़ी हैं भगवान दरवाजे से बाहर हैं, विदुरानी दरवाजे के अंदर हैं। भगवान ने आज एकदम से कहा, सुनो काकी, दरवाजा खुलने का कोई फायदा नहीं हुआ, मैं क्योंकि दरवाजा खुलने से पहले भी बाहर ही खड़े थे और दरवाजा खुलने के बाद भी हम बाहर ही खड़े हैं, अंदर चलने के लिए नहीं कहोगी? अब तो एकदम से ध्यान आया है
मैंने दरवाजा तो खोल दिया लेकिन भगवान को तो बाहर ही खड़ा रहा, अंदर ले गई। आइए भगवान स्वागत के लिए मन में विचार कर रही हैं आज क्या डाले। एक पीड़ा था डाल रखा है, वो पीड़ा है ना उल्टा डाल रखा है, उस पर वस्त्र डाल रखा है और भगवान को पीड़े पर बैठने के लिए कह दिया बैठ जाओ भगवान। और भगवान उसी पीड़े पर बैठ गए, लेकिन भगवान भी बड़े सुंदर भाव वाले हैं सज्जनों। अब एकदम से उस पीड़े में जब बैठ गए ना तो बड़े हंस करके कह रहे हैं काकी आप बड़ी समझदार हो, बैठने के लिए आपने जो स्थान दिया ना बड़ा अच्छा दिया है मुझे, क्योंकि पीड़े के अंदर चल बैठ गए हैं और वह जो पीड़े के पाए हैं ना उन पर हाथ रख लिया भगवान ने, बड़ी अच्छी व्यवस्था की आपने बैठने की, आप बहुत ही समझदार हो। लेकिन उसे ध्यान आया हाय राम मैंने यह पीड़ा उल्टा डाल दिया भगवान के लिए। लेकिन आज बेदुरानी भगवान की सेवा में लगी हुई है, शुद्ध उद नहीं है, अपने तन का कोई ख्याल नहीं है, मैंने क्या पहन रखा है, मैं कैसी हूं, कैसा भाव है, कोई ख्याल कैसा भी नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में। अब घर पर कुछ खिलाना भी तो है ना भगवान को, अब देखा है फल रखे थे केले के, लेकर के आ गई, अपने हाथों से ही खिलाऊंगी, बैठ गई लेकर के, लेकिन भाव में विभोर हो रही है। केले के फल को रख देते हैं और छिलका उन्हें खिला देते हैं, भगवान उन्हें खा जाते हैं और सारे छिलकों को भगवान ने खा लिया, केले रखे हुए हैं, बड़े प्रेमांश भाव में भगवान खा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। लेकिन अब बेदुर जी उतने ही समय में आ गए तो वह केला रखे हुए देखे हैं और बेदुर जी ने कहा विदुरानी मेरे प्रभु की कोई सेवा की या वैसी बैठी रहोगी आप। बेदुरानी ने कहा है प्रभु मैंने आपके प्रभु की सेवा जो घर पर था ना वही कर दिया। क्या किया है? बेदुरानी कह रही है मैंने केले खिलाए इन्हें, वही वही तो था बस घर पर, और क्या था, और क्या खिलाती मैंने। और बेदुर जी देख रहे हैं कि केले तो वहीं रखे हैं लेकिन छिलके नहीं है वहां। बेदुर जी की आंखों में अश्रु आ गए। बेदुरानी क्या खिलाया है भगवान को? केले, लेकिन देखा है या केले तो यहीं रखे हैं। विदुर जी ने आकर के चरणों में गिर करके कहा है भगवान आपने ऐसा क्यों किया है, आप छिलके खाते रहे कम से कम एक बार तो कह दिया होता, क्यों खाए ये छिलके आपने, मना कर दिया होता। लेकिन भगवान कोई जो केले है ना केले का जो गूदा है वह खिला रहे हैं विदुर जी इसे खाओ इसमें आनंद है, वो छिलकों को क्यों खाया आपने। लेकिन उन्हें खिलाने के बाद में आज भगवान से पूछ रहे हैं विदुर जी बताओ आनंद या स्वाद रहा कि नहीं रहा। तो देखिए बड़ा सुंदर कहा है इन्होंने मुझे जितना आनंद छिलकों में आया था ना विदुर जी उतना आनंद तुम्हारे इन गूदों में नहीं आया, क्योंकि छिलके खिलाते समय विदुरानी का निष्प्रेम था, बिल्कुल आनंदमय प्रेम, बिल्कुल आनंदमय थी। और यह गूदा खिलाते समय ना तुम्हारे अंदर साहस भाव नहीं, कुछ खिलाने की भावनाएं थी लेकिन वहां कुछ भाव वहां केवल निष्प्रेम था और मैं प्रेम का भूखा हूं केवल। बड़ा सुंदर कहा है इन्होंने। अगर बात तुम पूछ रहे हो स्वाद की ना तो मैं बताना चाहूंगा स्वाद छिलकों में था तेरे गूंदे में ना, मुझे जो स्वाद छिलकों में आया था ना वो तुम्हारे इन गूदों में नहीं आ रहा, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है जिसने भजा है भाव से,
उसका बेड़ा पार है। स्वाद छिलकों में था तेरे गूंदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया। प्रेम से सभी बोलते रहे, ताली बजा कर। जिसे भगवान को बुला करके अपने घर खिलाना है वही ताली बजा करके प्रेम से बोले। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भगवान ने कहा विदुर, जो चालाकी करता है चतुराई करता है ना, उसे मैं नहीं मिलता। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन आ गया, भीलनी का मुझे भोलापन आ गया, हाँ भीलनी का मुझे भोलापन आ गया, भीलनी का मुझे भोलापन आ गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया।
होश जिसो को न तन और मन का रहा, होश जिसो को न तन और मन का रहा, होश जिसो को न तन और मन का रहा, होश जिसो को न तन और मन का रहा। ऐसा मीरा का प्याला मुझे भा गया, ऐसा मीरा का प्याला मुझे भा गया, ऐसा मीरा का प्याला मुझे भा गया, ऐसा मीरा का प्याला मुझे भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मुझे केवल आनंद आया तो केवल केवल छिलकों में आया। मैं तो बेदो रानी के छिलके भी भा गया, तो मैं तो बेदो रानी के छिलके भी भा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक आ गया, मैं तो बेदो रानी के, भगवान ने बड़ा सुंदर भाव और बड़े आनंदमय होकर के आज विदुर जी पर कृपा की, लौट करके पांडवों के पास में आए तो धर्मराज दुष्ट जी महाराज को केवल एक ही बात बता रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, केवल युद्ध होगा और तुम युद्ध की तैयारी करो। महाविनाशक युद्ध होगा जो कि महाभारत के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा बड़ी बड़ी विशाल सेनाएं सज धज करके आ रही है महाराज, सभी लोग अपने अपने सगे संबंधियों के पास जाने लगे, सबने सेनाएं और राजाओं को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया है। भगवान कृष्ण के पास में भी आए हैं, यह दुर्योधन मामा शकुनी के कहने पर भगवान कृष्ण के पास में आया तो सिरहाने जाकर के बैठ गया, ठाकुर जी सो रहे थे, अर्जुन आया उसके बाद पैरों में आकर के बैठ गया चरणों के नीचे। भगवान ने नेत्र खोल के देखा अर्जुन को बैठा पाया तो एकदम से कहा है पार्थ क्यों आए हो आप, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन दुर्योधन ने कहा सुनो पहले मैं आया हूं इसलिए मैं पहले लूंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं भैया मुझे तो पहले ये अर्जुन दिखा है और जो पहले दिखा है वही पहले तो आया है। लेकिन अर्जुन को भी पूछा गया है दुर्योधन ने कहा आप इसी को पूछ लो यह बता देगा कि पहले कौन आया।
अब अर्जुन ने कह ही दिया है भगवान पहले तो यही बैठा था यहाँ, लेकिन भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम दोनों का ही समाधान करूंगा। और देखिए भगवान ने एक तरफ तो अपनी विशाल यदुवंशी सेना नारायणी सेना को जो कि कभी भी जीर्ण नहीं होती है ये युद्ध करेगी, और एक तरफ मैं रहूंगा वो भी निहत्ता अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन तो विलासी है और ये भगवान की भावनाओं को समझ नहीं पाया, इसलिए कह दिया है मैं आपका क्या करूंगा युद्ध में निहत्ता बिना अस्त्र के वीर किस काम का, इसलिए मुझे अपनी सेना प्रदान कर दो। भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन पहले तुम आए थे इसलिए तुम्हें मौका दिया, तुम्हारे साथ में मेरी नारायणी सेना युद्ध करेगी। और इधर अर्जुन से कहा तुझे क्या चाहिए, अर्जुन ने हाथ जोड़ करके केवल कहा है भगवान मुझे तो आप ही चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा निहत्ता रहूंगा। अर्जुन ने कहा हाँ आप निहत्ते ही रहना, मत युद्ध करना, मत अस्त्र शस्त्र उठाना, लेकिन आप हमारे साथ रहना। और जहां भगवान का साथ है ना वहां आनंद ही आनंद होता है। हमारा कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं सज करके आ गए हैं, कौरवों के पास में 11 अक्षौणी सेना है, पांडवों के पास में 7 अक्षौणी सेना है। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला है, इसमें 18 अक्षौणी सेना एक से एक बड़ा बलशाली योद्धा। महाभारत बहुत बड़ा सदग्रंथ है महाराज। लेकिन देखिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्ण जैसे महान मगरमच्छ होने के बाद भी केवल कृष्ण रूपी नवका के सारे पांडवों ने इस महासागर को पार कर दिया, केवल मात्र कृष्ण रूपी नवका का सहारा, गोविंद रूपी नवका का, भगवान रूपी नवका का सहारा था और कुछ नहीं, और उसमें बैठ करके पार कर दिया उसे, वो कुछ भी नहीं कर पाए। और अंतिम महाभारत का युद्ध जब हुआ तो दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया है भीम ने और द्रौपदी के केसों को धुला दिया है। लेकिन आज यही पड़ा पड़ा दुर्योधन चिल्ला रहा है कि मेरे इन शत्रुओं का सर लाकर के कोई मुझे दे दे तो मैं उसको अपना राज्य दे दूंगा। अंतिम समय पर देखिएगा गति मिलने वाली है, मरने वाला है, लेकिन अंतिम समय चिल्ला रहा है कि मेरे इन शत्रुओं को कोई मार करके देगा। अब इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ उसमें कोई भी मारने वाला नहीं हुआ, लेकिन अब कौन मारेगा। द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा जो कि दुर्योधन के मित्र थे, अपने मित्र के बेहाल भावनाओं को देख करके बड़े बेचैन हो रहे हैं। रात्रि का समय है और देखिए अंधेरे में इन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए कि एक अकेले उल्लू ने सोते हुए कौओं पर वार किया और बारी बारी से देखिए सभी कौओं को मार दिया। और वो विचार कर रहा है जागने पर उल्लू कौए को नहीं मार सकता है, कौआ बहुत चालाक होता है, लेकिन सोते हुए कौए पर उल्लू ने प्रहार किया और मार दिया। उसके मन में यही बात आ गई है कि जागने पर इन पांडवों को युद्ध के मैदान में तो कभी भी मारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर अपने मित्र की इच्छा को पूरा करना है तो सोते हुए जाकर के अगर प्रहार कर दिया जाए और सोते हुए इनकी गर्दन काट दी जाए तो ये मर जाएंगे आसानी से। और वही मन में भाव ये पांडवों के शिविर की ओर चल दिया, लेकिन भगवान कृष्ण तो सब जानने वाले हैं, उन्होंने आज रात्रि में उन्हें बड़ा सुंदर तर्पण बड़ा अच्छा श्राद्ध करने के लिए अपने द्वारा जो जिनका वध हुआ है निकाल करके ले गए। और यहीं द्रौपदी के 5 पुत्र वहां शिविरों में सोए हुए हैं। रात्रि का अंधेरा है, अश्वत्थामा को कुछ दिखा नहीं, और रात्रि के अंधेरे में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की गर्दनें काट काट करके बांध करके ले आया। और दुर्योधन को कह रहा है मित्र मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ है। देखिए आज तक जीवन में दुर्योधन को इतनी प्रसन्नता आज तक कभी नहीं हुई थी जितनी की आज हुई है।
कभी भी पांडवों को मार दिया गया यह समाचार सुनकर के। लेकिन वह दुर्योधन कह रहा है उस भीम का सर मुझे दो, वह मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। और देखिए भीम के जैसे ही पुत्र का सर दिया जो भीम के जैसा लग रहा था, और जैसे दुर्योधन ने हाथों में लिया वह जान गया यह सुकोमल सा जो सर है यह भीम का हो नहीं सकता है। और जब उसे देखा है ना तो वह जान गया कि यह द्रौपदी के पांच पुत्र हैं जिनको मार करके अश्वत्थामा ले आया है। लेकिन भैया अब भगवान से यह प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और देखिए यह प्रायश्चित करने में लगा है, भगवान को मना रहा है, बहुत बड़ा दुख हो रहा है इसे। यहां जितना बड़ा आनंद, जितना बड़ा प्रसन्न, जितनी बड़ी हर्ष की बात इसे हुई, उतना ही बड़ा यह दुख करने लगा है। और अश्वत्थामा से कह रहा है तूने मेरे वंश को नष्ट कर दिया पापी, क्योंकि पांडव मेरे शत्रु थे, मेरे सारे पुत्र मारे गए, मेरा सारे भाई मारे गए, मेरा सारा वंश नष्ट हो गया है। केवल हमारे कुरु वंश को बढ़ाने वाले द्रौपदी के यही पुत्र तो थे, क्योंकि पांडवों को भी मरना है, कोई अमर नहीं है दुनिया में। और यह मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन पापी तूने इनका वध कर दिया, या नवजात शिशुओं को मारा है तूने। इसलिए हे परमात्मा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए। और ऐसा प्रायश्चित करते करते आज इस दुखमय होकर के दुर्योधन ने प्राणों को छोड़ दिया है। इसलिए प्रायश्चित के बाद भगवान को याद करते प्राणों को छोड़ा, इसलिए सदगति मिलकर के भगवान के धाम के लिए चला गया। लेकिन यहां पर द्रौपदी ने देखा है मेरे पुत्रों को मार दिया इन पापियों ने। और सज्जनों आज बेचारी यह रोदन कर रही हैं। पांडवों ने कहा द्रौपदी मत रो, सांत्वना दे रहे हैं, तेरे पुत्रों को मारने वाले को जीवित नहीं छोड़ेंगे, मृत्यु दंड देंगे हम। और भीम अर्जुन ने यह संकल्प लिया, भगवान रोक रहे हैं, रुको पांडवों मत लो संकल्प। लेकिन वह संकल्प लिए जा रहा है। अब भीम क्रोध में आकर के गदा लेकर के भाग रहा है, अर्जुन भी पीछे चला जा रहा है कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भगवान भी दौड़ करके चले गए, रथ में बैठ गए, सारथी बन गए, अर्जुन की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन अश्वत्थामा को भीम ने गदा मार करके गिरा दिया। और यह अश्वत्थामा देख रहा है कि अब यह पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए जो मरता वह क्या न करता। इसलिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यह खल प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, केवल यह अपना ही अपना सोचने वाले होते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। यह केवल यही जानते हैं कि मेरा हमारा भला हो जाए कैसे भी, दूसरे हो का अगर भला नहीं होता, यह मरते हैं तो मर जाए, संसार नष्ट होता है तो हो जाए, लेकिन हमारे प्राण बच जाए, यह संसार से हमें क्या लेना देना। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के खल लोग होते हैं। और देखिए आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया इसने, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ जा रहा है। तो देखिए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, भगवान क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र महाशक्ति है महाराज, संसार में जीव जंतुओं को सताते हुए हाहाकार मच गया दुनिया में। और देखिए यह अर्जुन की तरफ जब आ रही है ना, तो भगवान अर्जुन ने अपना गांडीव रथ में रख दिया है, और भगवान कृष्ण की ओर हाथ जोड़ करके कह रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि प्राण जाएंगे। इसलिए जब प्राण जा रहे हो तो किसको याद करना है, भगवान को याद कर लेना चाहिए। इसलिए केवल भगवान कृष्ण की ओर देख करके एक ही बात कह रहा है, बड़ी सुंदर स्तुति कर रहा है भगवान की आज, हे माधव। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे भगवान आप तो सर्वज्ञ व्यापक हैं, सब जानने वाले हैं, शक्तिशाली भी आप। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद सभी बोले हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा त्वमेको दत्यमानानां वर्गो अति संस्रता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद जय जय यह भयंकर रूप धारण करने वाला जो महाअस्त्र आ रहा है या मुझे मार डालेगा गोविंद, इसलिए रक्षा करो मेरी। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा है, पार्थ क्या हो गया है? अर्जुन ने कहा, भगवान अब तो ऐसा लग रहा है कि प्राण चले जाएंगे, इसलिए मुझे बताओ क्या करना चाहिए। भगवान ने हंस करके कहा, अर्जुन ऐसा करो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो तुम भी। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये एक ब्रह्मास्त्र दुनिया को परेशान करता हुआ चला आ रहा है, दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दिया तो क्या होगा संसार का? ठाकुर जी ने कहा, तो फिर और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र को रोकने वाला केवल ब्रह्मास्त्र ही है दुनिया में, जो कि तुम्हारे पास है। क्योंकि अर्जुन विशेष बात है, कभी कभी जब अधिक विष शरीर के अंदर फैल जाता है ना, बहुत ज्यादा विष शरीर के अंदर फैल जाता है, तो डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, उस विष को मारने के लिए, विष को नष्ट करने के लिए विष का ही इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि विष को मारने का केवल एक ही उपाय है विष। इसलिए ब्रह्मास्त्र को रोकने का एक ही उपाय केवल ब्रह्मास्त्र। और अर्जुन ने देर नहीं की, आज भगवान के कहने पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और देखिए उस ब्रह्मास्त्र ने उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया है। लेकिन भगवान ने कहा, अर्जुन अब एक काम और करो, इन दोनों को उतार लो, तुम बुला लो। लेकिन अर्जुन कह रहा है, पहले ये अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाए तो मैं बुलाऊं ना। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें यह विद्या सिखाई थी चलाना और बुला लेना, लेकिन ब्रह्मास्त्र की जिद करने पर उनके पिताजी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र तो दे दिया, लेकिन वह बुलाया कैसे जाता यह समझाया नहीं था। इसलिए तुम जानते हो, सामर्थ्यवान हो, दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को बुलाओ। और अर्जुन ने आज अपने मंत्रों से आमंत्रित कर दोनों ब्रह्मास्त्रों को बुला लिया अपने तर्कस के अंदर। दुनिया की सुरक्षा की है, लेकिन बांध करके अश्वत्थामा को डाल दिया द्रौपदी के चरणों में, बना पड़ा है। सूत जी महाराज ने कहा है, सोनकादिक ऋषियों से यह अश्वत्थामा बना पड़ा है और पांच पुत्रों को मारने वाला है, और किसी माता के पांच पुत्रों को मार देने वाला पापी अगर पास में हो तो वह उसकी दशा क्या होनी चाहिए। अब पांडवों ने कहा है द्रौपदी से, यह तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला, बताओ कि इसे क्या दंड दिया जाए, और तुम जैसा दंड देने के लिए कहोगी वही दिया जाएगा। और द्रौपदी देख रही है बेचारा पड़ा है, लेकिन आज अपने पतियों से कह रही है, स्वामी मुझे एक बात बता दें आप, किसी नारी का अगर पति मर जाए तो वह जीवन किसके सहारे यापन करती है? ने कहा, अगर पुत्र होता है ना तो पुत्र के सहारे जीवन कट जाता है, अगर पुत्र मर जाए तो फिर पति के सहारे जीवन यापन हो जाता है, और दोनों में से कोई भी न हो तो। पांडवों ने कहा, यह तो बड़ी विषमता की बात है, बहुत ही संकट की बात है, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन को काटना, बहुत बड़ा संकट होता है उसके सामने। आज आंखों में जल भरा हुआ है, रोने लगी है द्रौपदी, और वही कह रही है, स्वामी आपने अपने गुरु जी का वध तो करा दिया है वहां महाभारत के युद्ध में, वो तो मारे जा चुके हैं, लेकिन पतिदेव या आपकी गुरु माता बिना पति के सारे जीवन यापन कर रही हैं, और ये उनका ही पुत्र है, कम से कम अपने पुत्र के सारे जीवन यापन कर लेंगी, इसलिए मेरा मन है कि आप इसे छोड़ दो। देखिए कितने बड़े भागवत भक्त होते हैं, पांच पुत्रों को मार देने वाला पापी है यह अश्वत्थामा, और वह द्रौपदी कह रही है कि आप इसे छोड़ दो, जाने दो, ये अपनी माता का सहारा है, और मैं नहीं चाहती हूं कि संसार में जैसे मैं अपने पुत्रों के मरने पर दुखी हो रही हूं, संसार में एक माता और अपने पुत्रों के मरने पर दुखी हो जाए, इसलिए स्वामी आप इसे छोड़ दो, जाने दो इसे।
लेकिन पांडवों ने तलवार निकाली अर्जुन ने और कहा इसे मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुमने तो संकल्प किया था कि मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा और द्रौपदी कह रही हैं कि इसे छोड़ दो, क्या करोगे। अर्जुन ने तुरंत तलवार को खींचा और मारने चले, लेकिन द्रौपदी जी ने पकड़ लिया, नहीं मैं इसे मारने नहीं दूंगी आपको, और समझाने लगी है। अर्जुन तलवार को रख लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन क्या हुआ, संकल्प पूरा नहीं करोगे आप। पांडवों तुम संकल्प पर संकल्प करते जाते हो बिना सोचे समझे, अब पूरा मुझे करना पड़ता है। लेकिन आज द्रौपदी कह रही हैं आप इनको मारना चाहते हो ना, क्योंकि देवी इसने हमारे पुत्रों को मार डाला है, यह पापी है, यह वध करने योग्य है, हम इसका वध करेंगे, इसे मृत्यु दंड देंगे। द्रौपदी ने कहा हाँ तो फिर ठीक है आप इसे मार डालो, अगर इसे मारने में ही आपको सुकून मिलता है तो इसे मार दो, लेकिन पतिदेव इसे मारने के बाद अगर मेरे पुत्र जीवित होकर के मुझे मिल जाएं तो इसका वध कर डालो, क्योंकि मुझे मेरे पुत्र प्रिय थे, यह उतना प्रिय नहीं है, इसको मार दो और इसके मारने के बाद मेरे पुत्र मुझे जीवित हो मिल जाने चाहिए। लेकिन पांडवों ने कहा वह जीवित नहीं मिल सकते तुम्हें। द्रौपदी ने कहा अगर मेरे पुत्रों को तुम जीवित नहीं दे सकते हो तो इसे मारने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे, जाने दो इसे। और भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बेटा पांडव अब पता चलेगा तुम्हें, बड़ा संकल्प करते हो तुम। लेकिन आज अर्जुन देख रहा है भीम ने एकदम से गदा लेकर के प्रहार करना चाहा, मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन द्रौपदी ने आकर के रोक लिया है। भगवान ने एक हाथ से द्रौपदी को संभाला, एक हाथ से भीम को संभाला, दोनों को संभाल करके शांत किया है। लेकिन अर्जुन देख रहा है ये भगवान है ना मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए राज जरूर है। अब एकदम से उनकी तरफ इशारा किया है, प्रभु क्यों परेशान कर रहे हो, क्या करना चाहिए बताओ ना। भगवान ने कहा पार तो तुम संकल्प करते हो, बताऊं मैं, तुम पूरा करो अपना संकल्प, कैसे करोगे। लेकिन आज भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, भैया ये ब्राह्मण है अश्वत्थामा और ये किसी भी परिस्थिति में वध करने योग्य नहीं है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। ब्राह्मण का कभी भी किसी भी परिस्थिति में वध नहीं करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। और भगवान ने धीरे से कह दिया है कि जो बाल हत्या करने वाला है ना, शिशुओं की, अबोध शिशुओं की हत्या करता है, ऐसे पापी को जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ऐसा कहकर के भगवान फिर हंस गए हैं। अर्जुन ने कहा समस्या में फिर डाल दिया है, है? मतलब ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता और पापी जो होता है बाल हत्या करने वाला उसे छोड़ा भी नहीं जाता है, अब यह तो समस्या आ गई है, अश्वत्थामा तो ब्राह्मण है। लेकिन भगवान ने इशारा किया है अर्जुन संत का ब्राह्मण का अपमान कर देना ही मृत्यु के समान होता है, और इतनी चतुराई तो अर्जुन के अंदर थी, जब इतना कहा तो अर्जुन ने आज तुरंत ही तलवार निकाल करके अश्वत्थामा के सर का मुंडन कर दिया, उसकी चोटी को काट लिया है। और आज उसके मस्तिष्क में लगी मणि को नोच लिया, बेहाल कर दिया, आज मणि कपाल में से निकाल दी, इसलिए बहुत भारी भयानक रूप हो गया इसका, कोई इसके पास बैठ नहीं पा सकता, कोई इसे अपने पास बिठा नहीं सकता, ऐसा कुरूप बना करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब द्रौपदी के भी वचनों की लाज रख दी, पांडवों ने अपने संकल्प को भी पूरा कर लिया, क्योंकि जाने या अनजाने में अगर ब्राह्मण का अपमान भी हो जाता है, संत का अपमान भी अगर हम कर देते हैं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है निश्चित ही। इसलिए भगवान कृष्ण हमारे शास्त्र सभी हमें समझा रहे हैं, कभी भी हमें ब्राह्मणों से संतों से कटु वाक्य नहीं कहना चाहिए, केवल नम्रता से बात करनी चाहिए। अश्वत्थामा विचार कर रहा है पांडवों तुमने मुझे जीवित छोड़ करके अच्छा नहीं किया, अगर तुम लोग मेरा वध कर देते ना तो सांत्वना से मर पाता, मैं बड़ी आनंद की बात थी, लेकिन तुमने मुझे संसार में किसी लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं भी तुम्हें ऐसे शांत बैठने वाला नहीं हूँ। द्रौपदी के तो पुत्रों को मार ही डाला है, अभिमन्यु मर ही गया है, और देखो तुम्हें भी मरना है, लेकिन अब विचार कर रहा है कि यह कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाला अब कौन बचा है,
लेकिन याद करते करते इसके दिमाग में आ गया है जिस समय अभिमन्यु का वध हो गया था तो उसकी पत्नी उत्तरा सती होने जा रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे रोक लिया था। क्यों रोका था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे गर्भ में मेरा भक्त पल रहा है, इसलिए कुरु वंश अभी है और वह कहाँ है? वह उत्तरा के गर्भ में है, पल रहा है। इसलिए आज एक साथ में पांच अग्नि बाणों का संधान किया है अश्वत्थामा ने, और पांच अग्नि बाणों का संधान करके उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। लेकिन आज जब यह अग्नि बाण उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा है ना सज्जनों, तो बड़ा यह कुपित हो रही है बेचारी, बहुत पीड़ा में है आज और बड़ी दुखी हो रही है। और आज भगवान को केवल इसने संसार में कोई भी भूल नहीं की है, अगर थोड़ी भी भूल कर जाती ना तो सब चौपट हो जाता, लेकिन एकदम से केवल मनाया तो किसे मनाया, इसने अपने सगे संबंधियों को याद नहीं किया बिल्कुल भी, और केवल याद किया है ना तो भगवान को याद किया। और बड़ा सुंदर कह रही है आज, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नायं त्वयं भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर का है, पाहि पाहि महायोगी न देव देव जगत पते, हे भगवान आप तो दुनिया की सुरक्षा करने वाले, दुनिया की रखवाली करने वाले, हे कृपा निधान मैं आपको कोटि कोटि वंदन करती हूँ, आप आकर के मेरी रक्षा करें। और देखिए आ तुरंत ही भगवान सूक्ष्म रूप रख करके आ गए वहां पर। उत्तरा से का प्राण चले जाने का भय लग रहा है क्या तुम्हें? उत्तरा ने कहा भगवान मेरे प्राण अगर जाते हैं तो चले जाए, मेरे अगर प्राण जाते हैं ना तो चले जाएं, लेकिन फिर बात क्या है? आज उत्तरा हाथ जोड़ करके कह रही है कि जिस भक्त की सुरक्षा करना चाहते थे ना आप, आपका वही भक्त संकट में, प्रभु उसकी रक्षा कर लो, मेरे प्राण चले जाने दो। और सज्जनों आज भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के अंदर गर्भ में चले गए, और गर्भ में जाकर के आज अग्नि बाणों को झीण कर दिया है सुदर्शन चक्र के द्वारा, गदा चक्र के द्वारा आज अग्नि बाणों को झीण करके फेंक दिया है। और देखिए आज इस बालक की सुरक्षा की है, ये अस्वस्थ हो गया था बालक स्वस्थ किया है भगवान ने आज, और बड़ा सुंदर सुकोमल प्रभु का दर्शन कर रहा है वह बालक। भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ को सुंदर सुलक्षित करने के बाद निकल करके बाहर आ गई और कहा आप बताओ कैसा लग रहा है? लेकिन उत्तरा कह रही है प्रभु अब मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान जब ठीक है वक्त तो भगवाना, देखिएगा हस्तिनापुर साम्राज्य बिल्कुल कुशल है आज, पांडव मौका राज उन्हें मिल गया है, हस्तिनापुर के सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज है, सब विधि सब प्रसन्नता है, इसलिए आज भगवान जाना चाहते हैं। और जब यह द्वारका के लिए जाना चाहते हैं ना तो बिना मन के भी न चाहते हुए भी लोग इन्हें विदा कर रहे हैं, क्योंकि राख है तो कब तक, जाना तो है ना अपने घर। भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, बारी बारी से धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सभी ने सम्मान किया, और आज बारी आ गई है उनकी बुआ कुंती की। तो भगवान को सुंदर सा आरती का थाल लेकर की स्तुति कर रही हैं आज कुंती गोविंद की। हे भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंक जाग्रे। हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, आप जगत के आश्रय दाता हैं। भगवान सारे संकटों का हरण करने वाले आप हैं जगदीश्वर। हे कमल नयन, आपके श्री कंठ में अरुण कमल की सुंदर माला सुशोभित होती है भगवान। आपके श्री चरणों में कमल चिन्ह अंकित है भगवान। हे नंद कुमार, हे वसुदेव कुलभूषण, हे यशोदा के लाला, हे नंद के दुलारे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दयासागर कृपालु भगवान, दीन वत्सल भगवान, हे करुणा निधान, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, बुआ आज इतनी सुंदर स्तुति क्यों की है, ऐसा लग रहा है आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ और मेरा मन है कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। और आज इतनी सुंदर स्तुति को सुनकर के मैं गदगद हो गया हूँ, इसलिए आप जो भी मुझसे मांगना चाहती हैं वही वरदान आप मांग सकती हैं, जो भी मांगना चाहती। आज कुंती ने कहा, भगवान जो मैं मांगूंगी वही दोगे ना आप? ठाकुर जी ने कहा, हाँ आप जो मांगोगी वही। कुंती ने कहा, मना तो नहीं करोगे देने से, इनकार तो नहीं करोगे? भगवान ने कहा, नहीं, मैं जो तुम मांगोगी ना आज वही दूंगा तुम्हें। कुंती ने कहा, तो फिर वरदान मांग लूं मैं आपसे? हाँ मांग लो। और देखिए क्या मांगा है भगवान से। कुंती कह रही, आप अगर मुझसे प्रसन्न है ना गोविंद, तो मुझे यह वरदान दे दो कि मेरे जीवन का जो समय शेष रह गया है ना भगवान, मेरे जीवन में जो शेष समय बाकी है, यह मेरा जो जीवन है ना, यह केवल दुखों से और आपत्तियों से ही गिरा रहे। मेरे जीवन में केवल आपत्तियां ही आपत्तियां पड़ती रहे, यह वरदान मुझे दे दो। आहा, देखिएगा किसी के जीवन भर में आपत्तियां आपत्तियां जिसे मिली हो, जो कि केवल दुखों से ही ग्रसित हो। आज देखिए माता कुंती राजमाता बनी है, उनका जो पुत्र है ना वो सम्राट बना है और वो राजमाता बनी। आज कुछ समय कुछ पल मिला है उन्हें खुशी का, लेकिन आज भगवान से कह रही है कि मुझे दुख दे दो, मुझे आपत्तियां दे दो। लेकिन भगवान ने कहा है, बुआ आपने ये आपत्ति ये दुख क्यों मांगा? क्योंकि आज कुंती बड़ा सुंदर कह रही है, दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। अगर दुख नहीं होता ना तो यह पांडव भी नहीं कभी समझ पाते कि कोई ग्वाला गाय चराने वाला द्वारकाधीश हमारा कोई अपना अपना सखा या अपना कोई मित्र या अपना कोई भाई था, नहीं जान पाते। क्योंकि मैं जान रही हूँ भली भांति भगवान आप दुखारी हो, और जब दुख होता है ना तो अपने भक्त के पास में दुखारी बन करके तुम हमेशा रहते हो और उस दुख का निवारण करते हो भगवान। इसलिए मैं केवल यही चाहती हूँ कि केवल मुझ पर दुख पड़ते रहे, क्योंकि जब दुख होगा ना तो आप मेरे पास में दुखारी बन करके रहोगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी आपका और मेरा वियोग हो। और यह संयोग तो केवल तभी बन सकता है कि जब दुख रहेगा, क्योंकि अगर प्रसन्नता और सुख मिल गया ना तो आप वियोग करके जा रहे हो मुझे छोड़कर। अब मुझे सुख मिला है, आप छोड़कर चले जा रहे हो, दुख था तब मेरे पास थे, इसलिए मैं तो वही दुख चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहें और दुख का निवारण करते रहें भगवान। आज भगवान गए तो नहीं है, लेकिन देखिए उसके बाद में सूत जी ने कहा है, भीष्म जी के पास में जाकर के पांडवों को दिव्य ज्ञान दिलवाया है और वही दृश्य का दर्शन कराया जो कि महाभारत के युद्ध में और भीष्म जी को कृतार्थ करके आज उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। उसके बाद में देखिएगा द्रौपदी, यहाँ पांडवों का बड़ा सुंदर पौत्र हुआ है, उत्तरा के गर्भ से इस बालक का नाम महापुरुषों ने रखा है परीक्षित। ये परीक्षा के द्वारा उत्पन्न हुआ है इसलिए इसका नाम परीक्षित रखा है। विराट महाराज के यहाँ से चोचक आया है
और लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने भी देखा है द्वारका में बैठे हुए हमारी भी बुआ है वहां पर, तो हमें भी चलना चाहिए, इसलिए यह भी आ गए बलराम जी के सहित। और देखिए सज्जनों, आज हस्तिनापुर वासी बड़ा प्रसन्न होकर के धूम मचा रहे हैं, और यह कुंती है ना सभी संत महात्मा ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिला रही है अपने पर पोते को, भगवान कृष्ण के पास में भी भेज दिया है। ठाकुर जी की गोद में जैसे डाला है ना, तो यह बालक बड़ा आनंदमय हो रहा है, क्योंकि यह बालक देख रहा है जिसने गर्भ में मुझे जाकर दर्शन दिया था ना, यह वही तो है और इसको खोज रहा था, यह बड़ा आनंद था। और भगवान को देखते ही यह बड़ा प्रसन्न हो गया, मेरे गोविंद ने आज इसके ऊपर हाथ फेर दिया है, बड़ा ही प्रसन्न, बड़ा ही आनंद इसे मिला है। और यह सब कुछ होने के बाद में सूत जी ने कहा है ऋषियों, उसके बाद भगवान द्वारका में आए, और जब भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए, अर्जुन को जब भेजा गया तो वह अपने भाई से आकर के बातें कर रहा था कि प्रभु भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए, ये कुंती है ना वह केवल दोनों भाइयों की बातें सुन रही थी, और जैसे ही सुना कि भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए उन्होंने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन पांडवों ने आज परीक्षित का राज्य उसी कराया ब्राह्मणों के द्वारा, और यह भी हिमालय में चले गए, हिमकर में जाकर के अपने अपने पुण्य स्थानों पर यह पहुंचे हैं, प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। और देखिएगा कृपाचार्य की संगति में महापुरुषों के सानिध्य में आज हस्तिनापुर के साम्राज्य के अधिपति यह परीक्षित जी महाराज है, धीरे धीरे यह बड़े हो रहे हैं और इन्होंने कई यज्ञों का अनुष्ठान किया, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न रखते हैं, संतों को प्रसन्न रखते हैं, जहां यज्ञ होता है, जहां कथाएं होती हैं, वहां बड़े आनंदमय होकर के ये श्रवण करते हैं, ऐसे महा आनंदमय भक्त वत्सल परीक्षित जी महाराज, इनका विवाह हुआ है, चार पुत्रों के पिता हैं ये, बहुत कौशलमय साम्राज्य है इनका, संत महात्मा इनके पुरुषार्थ में रह करके बड़े अपने जीवन को कृतार्थ समझते हैं सज्जनों, लेकिन वही ध्यान आया है संसार में जो आया है उसे जाना तो निश्चित है, और इसलिए इनकी समझ में आ गया है कि अब मुझे भी, क्योंकि पुत्र जब जवान हो गए अपने सभी कर्तव्य पार से आनंदमय परिपूर्ण हो गए, तो मन में आया है कि अब भजन भी करना चाहिए, तो भजन कैसे किया जाता है, किस प्रकार रहा जाता है जंगल में वन में, तो यह गुप्त रूप से जाते हैं बेचारे जंगल में, साधुओं की महात्माओं की सेवा करते हैं वहां रह करके, और बड़ा उनका रंग ढंग देख रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या जीवन है इनका। लेकिन वहीं एक बार इन्होंने एक दृश्य देखा, इनके राज्य में जब यह जा रहे थे जंगल में, तो एक बैल दुबला पतला है, एक गाय माता है, यह दोनों बातें कर रहे हैं, और इनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, यह परीक्षित जी महाराज देख रहे हैं कि यह बैल भी बड़ा दुबला पतला है, एक ही पैर है इसका, और यह गाय भी बड़ी जीर्ण है, बड़ी दुबली पतली है, और दोनों बातें करते करते रो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति मोटा सा दंड लेकर के आया और जोर जोर से इन्हें पीटने लगा। लेकिन उसी समय आज राजा परीक्षित ने आगे बढ़कर के तलवार निकाल करके इसे मारना चाहे, तो यह भगवान देखिएगा राजा परीक्षित की शरणागति में आ गया है, राजन मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कर, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, और यह गिर पड़ा है। लेकिन राजा ने पूछा है तो तुम कौन हो भैया, कहां से आए हो, तो यह बताने लगा है कि मेरा नाम कलयुग है, चार भाई हैं हम, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, मेरे तीनों भाइयों ने अपना राज्य का पोषण कर लिया है, मेरा नंबर आ गया है। परीक्षित जी ने कहा तो तेरा राज्य ऐसे ही चलता है? हाँ महाराज। तो राजा परीक्षित तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं भैया फिर तो मैं अपने राज्य में रहने की अनुमति तुझे कदापि नहीं दूंगा, तू मेरे राज्य की सीमा को छोड़ करके चला जा अगर प्राण चाहता है तो। लेकिन पुनः कलयुग ने रीझ करके हाथ जोड़ करके कहा है भगवान आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, दुनिया में आपका शासन है, अगर मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर, इसलिए आप अपने राज्य में मुझे कुछ स्थान दे दें। राजा परीक्षित ने कहा तो ठीक है मैं तुम्हें स्थान देता हूं, वहीं रहना है।
परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर स्थान दिया, देखिएगा। पहला स्थान दिया है जहां पर जुआ होता है, वहां रहो आप। और जहां पर दूसरा स्थान है मदरा पान करने वाले लोग हैं, वहां जाकर के रहो। और तीसरा स्थान दिया है जहां पर हिंसा होती है, जीवों को सताया जाता है, उन्हें खा लिया जाता है, मांस इत्यादि का सेवन करने वाले हैं, वहां जाकर के रहो। और देखिएगा चौथा बताया वैश्यागमन, जहां वैश्याओं की संगति होती है वहां जाकर के रहो। कलयुग ने कहा महाराज ये तो बड़े बुरे स्थान है, कोई अच्छा सा स्थान भी दे दो आप हमें। तो देखिए राजा परीक्षित ने एक स्थान और दिया है, पांचवा स्थान है, और वह स्थान है स्वर्ण माने सोना, आप सोने में भी रह सकते हैं। अब कलयुग देख रहा है क्योंकि कोई भी राजा स्वर्ण से वंचित नहीं रह सकता। एक बात और है, यह परीक्षित जी महाराज ने भूल कैसे की, स्वर्ण में रहने का स्थान क्यों दिया कलयुग को? क्योंकि यह परीक्षित बड़े ज्ञानी हैं, वह जानते हैं कि बड़ा अच्छा स्थान यह मांग रहा है और अच्छा स्थान इसे क्या दूं, इसलिए स्वर्ण ही दे दिया है। क्योंकि स्वर्ण में भगवान कृष्ण का वास है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को अपनी विभूतियों के विषय में बताते हुए कि स्वर्ण नाम का जो धातु हूं ना वो मैं ही हूं अर्जुन, और जहां भगवान है वहां कलयुग नहीं रह सकता निश्चित ही। अब विचार करने की बात है, कलयुग कहां पर रह सकता है, कौन किस स्वर्ण में कलयुग रहता है और किस स्वर्ण में भगवान रहते हैं? जो अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ स्वर्ण होता है सोना, वहां भगवान कृष्ण का वास होता है। और जो ईमानदारी से नहीं, चुरा करके बलपूर्वक छल से सोना प्राप्त किया जाता है, उसमें कलयुग रहता है साहब। इसलिए ध्यान रखना है, कभी भी स्वर्ण अगर आपको मिलता है तो जिसका है उसे दे दो, अगर नहीं भी किसी का कोई खोज नहीं हो पा रही है ना तो उसे किसी सत्कर्म में लगा दो, अपने पास मत रखो, क्योंकि पता नहीं कि वह स्वर्ण किस कैसा है, किस मय है। बोलिए गोविंद भगवान। और इसीलिए परीक्षित जी महाराज ने यह स्वर्ण दिया है, लेकिन ध्यान रखना है राजा भी स्वर्ण से वंचित नहीं होते। अब इन्होंने वह राजमुकुट पहना जो कि भीम के द्वारा भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध कराया था छल से, वही सुंदर सा राजमुकुट धारण किया, कलयुग इसमें प्रवेश कर गया, मस्तिष्क में उतर आया मुकुट में से। कभी भी शिकार न खेलने वाले राजा शिकार का मन करके जंगल में चले गए, लेकिन कोई शिकार नहीं मिली। आंधी तूफान का वेग आया, अश्व भटक गया मार्ग, सैनिक रह गए, घूमते हुए संध्या प्रहर हो गया है। अश्व को लेकर के जैसे तैसे खोज करते हुए राजा आ रहे हैं नगर की ओर, तो मार्ग में समीक ऋषि का आश्रम मिला। लेकिन सज्जनों यहाँ पर संध्या प्रहर था, इसलिए महात्मा संत थे ना, वो भजन कर रहे थे, और राजा ने देखा है कि एक सम्राट के आने पर कोई भी अतिथि सत्कार नहीं किया, यह कोई संत कोई साधुता नहीं है, अतिथि का सम्मान करना, इसलिए आज एक मृतक सर्प लेकर के उनके गले में डाल दिया। लेकिन समीक पुत्र श्रृंगी ने देखा है मेरे पिता का अपमान करने वाला यह दुष्ट कौन है, और देखा है राजा परीक्षित जब से भगवान चले गए हैं ना गोलोक धाम के लिए, तब से तुम लोगों ने बलहीन समझ लिया, इसलिए आज अंजलि में जल लिया, और बिना ही सोचे समझे आज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया राजा परीक्षित को, और कहा है राजा इति लग्तम यादम
सका सप्त मेहनी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव दक्षयति स्मांकुलांगरम योजितो मेतद्भुवम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव इति लग्तम यादम तक्षकः सप्तमेहनी। अरे ओ राजा परीक्षित, आज से सातवें दिन ठीक तुझे तक्षक सर्प आकर के डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरा बल देख कितना शक्तिशाली है ये। और सज्जनों, आज समीक ऋषि को पता चला कि श्रृंगी का श्राप राजा परीक्षित को लगा, बड़ा बेचैन हुए हैं वह, क्योंकि ये जो राजा परीक्षित है ना, ऐसा राजा बड़ा मुश्किल है मिलना साधुता के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। क्योंकि जब तक राजा ठीक कर्म करने वाला है, सनातनी है, प्रजा भी सनातन धर्म करती रहेगी। अगर राजा चोर उचक्का लंपटी है तो प्रजा भी चोर उचक्का लंपटी हो जाएगी। ध्यान रखना, राजा का प्रशासन सही है तो प्रजा का प्रशासन सही रहेगा। और ऐसा परीक्षित के जैसा राजा मिलना बड़ा दुश्वार है। समीक ऋषि ने कहा है श्रृंगी से, पुत्र तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अपने शिष्यों को भेज करके वहां सूचना दी है। और सज्जनों, आज परीक्षित महाराज को जब यह खबर मिली कि तुम्हें श्राप लग गया है, सात दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो मुक्ति का साधन ढूंढो, ये बड़े प्रसन्न हुए हैं। और इनका मन है ना बड़ा आनंदित हुआ है, क्योंकि ये विचार कर रहे थे मैंने एक संत का अपमान किया है और उस अपमान के बदले में मेरा सारा राज्य नष्ट हो जाना चाहिए और मेरे सारे पुत्र मर जाने चाहिए, क्योंकि एक संत का मैंने अपमान किया है या गलत किया है मैंने। और ऐसा सोच ही रहे थे कि उन्हें सूचना मिल गई। अब आज अपने पुत्र को आज यह राज सिंहासन पर बिठाल करके, जन्मेजय को राज्य देकर के, यह बाण प्रस्त्र लेकर के आज निकल गए घर से। और देखिएगा, गंगा के तट पर जाकर के यह बैठे हुए हैं। बड़े बड़े महात्मा सिद्ध, यह राजा परीक्षित को श्राप लगा है, यह खबर चारों दिशाओं में फैल गई। अब राजर्षि, महर्षि, महात्मा, संत लोग, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मुंडों वाले, बड़े बड़े त्रिपुंडों वाले, बहुत बड़े बड़े महाविद्वान लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं कि परीक्षित जैसा राजा तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर इन्हें मुक्ति भी मिलनी चाहिए। और यह मुक्ति कैसे मिलेगी, उस मुक्ति के को दिलाने के लिए यह यत्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे मुक्ति मिले, मैं आपको बता दूं महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भी यहाँ हैं और उनके पुत्र शक्ति भी हैं, उनके पुत्र पाराशर भी यहाँ हैं और उनके पुत्र वेदव्यास जी यहाँ भी बैठे हुए हैं, लेकिन सात दिन में मुक्ति का साधन कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा है। किसी ने कहा 41 दिन मिलेंगे तो हम मुक्ति दिला देंगे, किसी ने कहा 21 दिन का अनुष्ठान चलेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, किसी ने कहा 11 दिन का तो जप होगा ही निश्चित तो मुक्ति मिल जाएगी, और किसी ने कहा नहीं भैया 9 दिन तो कम से कम चाहिए ही नवदा रूप का प्राकट्य करने के लिए, वो मुक्ति दे देंगे। लेकिन 7 दिन में ही मुक्ति पाना तो बड़ा असंभव है, कोई विचार ही नहीं कर पा रहा है, कोई सोच ही नहीं पा रहा कि कैसे 7 दिन में मुक्ति होगी। और यह भक्त बड़ा परेशान है कि कैसे मुक्ति मिलेगी, भगवान की कैसे कृपा होगी मेरे ऊपर। और उसी समय देखिए, भगवान गोविंद ने आज जाकर के समाधि में बैठे हुए महामुनि सुखदेव की समाधि को खोल दिया है। तुम यहाँ समाधि में बैठे हो भक्त, मेरा भक्त परेशान है, और तेजोस्मयी होकर के भगवान कृष्ण आज सुखदेव के अंदर समाधिष्ट हो गए और बड़ा सुंदर यह चलने लगे और उसी मध्य सभा के बीच में आ गया। और जैसे सभा की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना,
तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सूर्य देव चल करके आ रहे हैं। ऐसा मस्तिष्क में तेज भरा हुआ है कि उसे देख करके ना सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के उनका सत्कार किया है और एक एक व्यक्ति खड़ा होकर के उनका सत्कार कर रहा है। एकदम से खड़ा हो गया समाज और राजा परीक्षित ने तो जान लिया कि मेरा मुझे मुक्तिमय करने के लिए, मुझे आनंदमय करने के लिए ही आए हैं ये निश्चित ही। इसलिए जैसे ही मामुनी या तेजस्मयी भगवान पधारे, आज उन्हें ऊंचे स्थान पर सर्वोत्तम स्थान दिया है और उस स्थान पर बिठाल दिया है और उसी स्थान पर बिठाल करके आज उनके चरणों को धोया है, पीतांबर से पोंछा और चरणोदय लेकर के पान किया है और उसके बाद में हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं यह चरणों में और बैठ करके बड़ा सुंदर कह रहे हैं महाराज आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं सदगुरुदेव, मैं यह जान गया, लेकिन हे भगवान मेरे जीवन में केवल 7 दिन शेष रह गए हैं, केवल 7 दिन, और मैं ऐसा असाध्य मरीज हूं कि केवल जो औषधि ग्रहण कर सकता हूं वह केवल कान रूपी दोनों से ग्रहण कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे मेरे जीवन का कल्याण करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए ऐसी औषधि, ऐसा साधन पिलाने की कृपा करें भगवान। मामुनि सुखदेव जी का वंदन किया, पूजन किया, बड़ा सुंदर भाव, बड़े आनंदमय भाव में लेकिन वही सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है राजा परीक्षित आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल भी बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप श्रवण करो, क्योंकि चिंता को मन से जब तक निकालोगे नहीं तब तक कल्याण तुम्हारा होने वाला नहीं। और बड़ा सुंदर बड़े आनंदमय भाव में इन्होंने कहा है आज। आइए 2 मिनट भगवान सुखदेव जी का आप भी वंदन करेंगे प्रेम से हाथ जोड़ कर, ऐसे महापुरुष का जिन्होंने जीवन को कृतार्थ कर दिया है, हमारा आपका परीक्षित का व सभी का कृतार्थ करने वाले हैं, ऐसा सतपरायण आनंदमय भाव दिया है। तो आइएगा बड़ा सुंदर बोले मामुनि सुखदेव भगवान की हो, हर की कथा सुनाने वाले हमको ज्ञान बताने वाले तुमको आज तो देखिए ऐसा सिस्टम बन गया है आज का, मैं आपको बता दूं पहले जमाने में रैट चलती थी आपने देखा हो, मैंने मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, पहले रैट चलती थी जानते हैं ना, बड़े बुजुर्ग रैट चलाते थे। एक बार एक सज्जन व्यक्ति रैट चला रहे थे अपने खेत पर, पूठा खेत था पूठा, तो वहां एक राजा घोड़े पर सवार होकर के आया। गर्मी का महीना था, तेज दोपहरी पड़ रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी और जब रैट चल रही थी तो पानी निकल रहा था और पानी निकल रहा था तो राजा ने रुक करके अपने स्वयं पानी पिया और पानी पी करके अपने असमाने घोड़े को पानी पिलाना चाहा। लेकिन जब रैट चलती थी ना तो वह ऐसे जैसे जब वो पड़ता था ना उसका डिब्बा, तो एक कील होती थी उसे रोकने वाली, वह एकदम से कट
कट कट ऐसे करती थी, और जैसे वह कट कट की आवाज सुनता था ना, घोड़ा पानी नहीं पीता था वह कट कट को देख करके। अब राजा ने कहा उस रेहट चलाने वाले किसान से, अरे ओ इसे बंद कर। अब किसान ने जैसे ही उस रेहट को चलाना बंद किया, कट कट बंद हो गई, और जैसे ही कट कट बंद हो गई, लेकिन उतनी देर में पानी निकल के भाग गया। अब पानी रहा नहीं, और जब पानी नहीं रहा तो घोड़ा कैसे पिए जल, क्योंकि रेत था, फूटा था, डहार था, एकदम चला जाता था। राजा ने कहा, अरे ओ इसे चालू कर। जैसे ही चालू किया तो फिर वही कट कट, और घोड़ा जैसे ही कट हो एकदम से मुंह हटा करके भाग जाए। राजा ने कहा बंद करो। अब किसान बेचारा बंद कर देता, और जब बंद करता है तो वह पानी नहीं रहता। अब राजा बार बार कहता है चालू करो, बंद करो, चालू करो, बंद करो। किसान ने कहा सुनो महाराज, तुम राजा होंगे अपने घर के, इसलिए तुम्हें अगर इस कट कट में अगर पानी पिलाना है ना तो पिलाओ, नहीं अपने घर जाओ। या कट कट है वो बंद होने वाली, तो आज तो ऐसा ही हमारे साथ में हो गया, या कट कट है ना ये बंद नहीं होगी आज। क्योंकि महाराज जी अगर कथा कहनी है तो आज अपनी कट कट में कहो, नहीं अपने घर जाओ, है? क्योंकि यह कट कट बंद होने वाली कदापि नहीं। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, बड़े प्रेम से बोलेंगे। हर की कथा सुनाने वाले, हमको ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु तुम बैठे थे मन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, और तुम बैठे थे मन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, प्रभु तुम बैठे थे मन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, प्रभु तुम बैठे थे मन में। हमको राह दिखाने वाले, हमको राह दिखाने वाले, हमको राह दिखाने वाले, हमको राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हे भगवान, लेकिन आप क्या करने वाले हैं?
हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हमको मुक्त कराने वाले, हमको मुक्त कराने वाले, बंधन सभी छुड़ाने वाले, बंधन सभी छुड़ाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाते, बस शीश झुका यही गाते। हम पार तेरा क्या पाते, बस शीश झुका यह गाते। हम पार तेरा क्या पाते, बस शीश झुका यही गाते। हम पार तेरा क्या पाते, बस शीश झुका यही गाते। अमृत सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, हमको ज्ञान बताने वाले, हमको ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 लाखों प्रणाम, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान सुखदेव जी का बहुत सुंदर पूजन किया और देखिए आज भगवान सुखदेव जी ने राजा को कहा है, राजन ये मन में से चिंता को निकाल दो क्योंकि तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तुम्हें 7 दिन मिले हैं लेकिन राजा खटवांग की मुक्ति तो केवल 2.5 घड़ी में हो गई। लेकिन जब अगर मुक्ति को पाना चाहते हो ना तो केवल एक ही देह होना चाहिए। यह सारा संसार है ना, यह परमात्मा मय है और वैष्णव भक्त जो होता है उसे वैष्णवता के आधार से यही सीखना है। जहां जहां भी दृष्टि डाल करके देखा जाए ना, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जहां भी दृष्टि डाल करके देखे तो भगवान का ही रूप हमें दिखना चाहिए, गोविंद के स्वरूप का दर्शन। और बड़ा सुंदर कहा है राजन, वैसे भी भगवान के ही शरीर में यह सारा संसार समाया हुआ है। जैसे गर्दन से ऊपर 70 जन आदि लोक रहते हैं, कमर के नीचे तल वितल आदि लोक हैं, हृदय में धर्म है, पीठ में अधर्म है,
अधरोष्ट में लोभ है, भुजाओं में इंद्र और नाड़ियों में नदियां, हड्डियों में पर्वत हैं और रोम आदि भाग में वृक्ष आदि हैं। इस प्रकार दुनिया में संसार में जो सृष्टि दिखाई दे रही है यह परमात्मा मय है, भगवान मय है। इसलिए अपने परम भक्त को जो केवल मुक्ति पाना चाहता है वो भगवान को ही ध्यान करें। वैसे तो अलग अलग प्रकार की कामनाओं से संसार का जीव अलग अलग प्रकार के भगवानों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जैसे किसी को संतान की प्राप्ति के लिए प्रजापति की आराधना करनी होती है, सौंदर्य के लिए गंधर्व की, विद्या के लिए भगवान शंकर की, सुख शांति के लिए माता उमा की, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की पूजा करनी होती है, इंद्रिय सुख के लिए इंद्र की कीर्ति या प्रभाव चाहने वालों को, अग्नि की आयु चाहने वालों को अश्वनी कुमार की पूजा, और सुंदर वर वाली कन्याओं को पराम्बा देवी की पूजा करनी होती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई कामना मन में न हो, कामना रहित सेवा हो, तो स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है राजन, अकामम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगेन यजे तम पुरुषम पर। अगर मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होना तो यजे तम पुरुषम परम तीव्रेण भक्ति योगिन शीघ्रता माने बिना ही समय बर्बाद किए हुए भगवान कृष्ण की सेवा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, भगवान गोविंद की शरणागति ले लेनी चाहिए। यही मुक्ति के दाता हैं, मुक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं, सर्वस्व हैं ये। अगर मन में कोई भी अभिलाषा नहीं है तो देखिएगा आज बड़ा संसार बड़ा आनंद में कहा है राजन, जब उनकी इच्छा होती है तो सृष्टि का प्रारंभ होता है, उनकी इच्छा होती है सृष्टि का विलय होता है। जब यह सृष्टि का प्रारंभ करते हैं तो देखिए उन्हीं के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है। जैसे कि किसी परम पुरुष काल में कर्म और स्वभाव निहित होते हैं और काल से स्वभाव से परिणाम तथा कर्म से महत्व उत्पन्न होता है राजा परीक्षित, और महत्व से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार के तीन भेद होते हैं सात्विक राजस और तामस। इन्हीं पंच महाभूत की तन मात्राओं को मिलाकर के 25 तत्वों से बना अंड होता है जो कि केवल जल में पड़ा रहता है, और वही अंड का भेदन करके श्रीमन नारायण जब बाहर निकलते हैं तो वही ब्रह्मांड हो जाता है और हजारों वर्षों तक यह जल में सहन करते रहते हैं। लेकिन जब उनकी नाभि से कमल निकलता है तो उस पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं और ये ब्रह्मा जी ना 100 वर्ष तक तप करते हैं, तब श्रीमन नारायण भगवान उन्हें दर्शन देते हैं जाकर। और देखिए चतुर्थ श्लोक की भागवत दिव्य ज्ञान को प्रदान कराते हैं, अहंकार न हो इसलिए उसे निकालते हैं, अपना सखा कह करके अपनाते हैं और सृष्टि करने का अधिपति उन्हें बना देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करने का अधिपति बना दिया गया तो ब्रह्मा जी के द्वारा यह सृष्टि प्रारंभ होने लगी है। देखिए उन्होंने अविद्या को पवित्र मन से सनकादिक ऋषियों को और अविद्या को उत्पन्न किया है, लेकिन इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया और जब मना कर दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। इसलिए इन सनत कुमारों ने जब मना किया तो इन्हें ऐसे के ऐसे ही बने रहने का श्राप ब्रह्मा जी ने दे दिया। तो यह सनत कुमार है ना आज तक वैसे ही है, बड़े नहीं हुए, छोटे से 5 वर्ष की अवस्था में यह 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, वो वैसे ही रहते हैं। और उसके बाद में जब क्रोधावेश हुआ तो उन्होंने अपने क्रोध को संभालने की कोशिश की लेकिन ब्रकुटी में धारण किया, और जब ब्रकुटी से क्रोध को निकाला तो यहाँ एक रुद्र नाम का बालक पैदा हुआ, उसे एक रुद्राणी देकर के रुद्र सृष्टि कराना पहले प्रारंभ किया। लेकिन यह रुद्र सृष्टि ब्रह्मा जी का एक दिन भक्षण करने के लिए भागी, क्योंकि यह बड़ा आलमन था, ये जो रुद्र सृष्टि थी यह हमारे जैसी नहीं थी, और ये ब्रह्मा जी बड़े सुकोमल भाव में लगते थे इसलिए उन्हें खाने के लिए जब भागे ना तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, रहने दो हमें नहीं कराना ऐसी सृष्टि, बंद करा दिया। उसके बाद में बड़े महान ऋषियों को उत्पन्न किया है,
कर्दमा ऋषि, कर्दम मुनि आदि। लेकिन इन्होंने देखिएगा बड़ा सुंदर कहा है महाराज, मन से मरीच ऋषि को उत्पन्न किया है और नेत्र से अत्रि ऋषि को, मुख से अंगिरा को, कर्ण से पुलहस्त ऋषि को उत्पन्न किया है और नाभि से पुलह को, कर से कटु को, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया है इन्होंने, कर्ण से पुलस्त ऋषि को, और देखिए उसकी बात अंगुष्ठ से यक्ष को और गोद से श्रीमन नारायण नारायण नारद जी को उत्पन्न किया। लेकिन इन सभी ऋषियों ने भी सृष्टि करने से मना कर दिया, हम भजन करने के लिए आए और यह तपस्या करने चले गए। लेकिन जब यह तपस्या करने के लिए चले गए ना, तो आज ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए और देखिएगा दाहे अंग से मनु जी को और बाम भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया और इन्हें उत्पन्न करके मैथुन सृष्टि करने का आदेश किया है। सज्जनों आज ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई है और देखिएगा मनु जी के यहाँ पांच संतान हुई हैं, जिनमें तीन कन्या हैं और दो पुत्र हैं इनके। कन्याओं के नाम हैं देवहूति, आकूर्ति और प्रसूति, और पुत्रों के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। लेकिन परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या ब्रह्मा जी की कोई भी सहायता उनके पुत्रों ने सृष्टि में नहीं की क्या? तो बड़ा सुंदर कहा है आज सुखदेव स्वामी ने, राजन कर्दमा ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान सर्वेश्वर पधारे, और जब भगवान सर्वेश्वर आए ना तो उन्हें आदेश किया तुम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो। लेकिन उन्होंने एक वरदान मांगा है, प्रभु मैं सृष्टि का पालन करने के लिए तैयार तो हूं लेकिन आपको मेरे यहां पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। भगवान ने उन्हें वरदान दिया है और कहा है आज से तीसरे दिन तुम्हारे आश्रम पर मनु जी अपनी पुत्री देवभूति को लेकर पधारेंगे, इसलिए मना नहीं करना है क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, तुम्हारा पुत्र। और देखिएगा बड़ी लालसा है कि भगवान हमारा पुत्र बन करके आएंगे और यह बड़ी सुंदर सेवा में लगे। अब पता था कि तीसरे दिन आने वाले हैं शादी करने वाले। अगर आज के जमाने में एक घंटे पहले पता चल जाए ना कि शादी करने वाले आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, बहुत अच्छी व्यवस्था। एक घंटे के अंदर अगर घर पर कोई सामान नहीं होगा ना तो पड़ोसी के यहाँ से मांग लाएगा शादी वाले आ रहे हैं, बड़ा अच्छा मन लगता है, है? बड़ी अच्छी प्रसन्नता होती है। बेटे की शादी करने वाले आ रहे हैं या पुत्री की शादी, पुत्री को देखने वाले आ रहे हैं, बड़ा मन। और यह कर्दम जी को तो पहले से ही पता था, इसलिए देखिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आज बड़े सुंदर तीन आसन डले हुए थे, मनु जी ने आकर देखा और कर्दम जी ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग पधारिये अतिथि देवो भव बैठिए, और मनु शत्रुपा को लेकर के आसनों पर बैठ गए। तीसरा आसन खाली है और देवभूति खड़ी है। कर्दम जी ने कहा देवी यह आसन तुम्हारे लिए डाला है, बैठ जाओ। लेकिन देवभूति शासन पर नहीं बैठ रही है और ये बार बार कह रहे हैं कर्दम जी बैठ जाओ, ये आसन तुम्हारे लिए ही तो है और कौन तीसरा व्यक्ति है यहाँ, बैठ जाओ। देवभूति ने स्वीकार नहीं किया, आसन नहीं बैठे। अब महापुरुषों का कहना है कि यह देवभूति आसन पर बैठ क्यों नहीं रही है, विचार करना देवभूति कहते किसे हैं मैया, देवभूति कौन होती है? देवभूति कहते हैं देव आहुति, जो अपनी आहुति के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने में समक्ष बुद्धि है, जिसके अंदर इतना तेज है वह सतबुद्धि ही हमारी देवभूति है। और माता देवभूति ने यह जान लिया है अपनी सतबुद्धि के द्वारा कि यह मेरे पति बनने वाले हैं, यही मेरे पति होंगे, ये प्राण प्रियतम होंगे मेरे, और यह आसन जो बिछाया गया है ना इन्हीं के द्वारा बिछाया गया है, क्योंकि यहाँ तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है, दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं, और मैं अगर पति के बिछाए हुए आसन पर बैठ जाऊंगी तो मुझे नरक में जाना। अब महापुरुषों ने एक बात और कह दी है, शादी होने से पहले ही पति मान लिया। और देखिए शास्त्र कह रहा है अगर पति की आज्ञा का पालन जो नारी नहीं करती हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है।
देवूति ने मान लिया कि पति है और पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन है, बैठूंगी तो नरक में जाना पड़ेगा। और शादी से पहले पति मां नहीं लिया तो पति निवेदन भी तो कर रहे हैं, देवी बैठ जाओ, देवी बैठ जाओ, बार बार निवेदन कर रहे हैं पति, और फिर भी आसन पर नहीं बैठ रही हैं। तो पति के द्वारा किया हुआ निवेदन जो पत्नी अस्वीकार करती है उसे भी नरक में जाना पड़ता है। अब यहाँ बड़ी समस्या है माता देवूति के सामने, इस आसन पर बैठ जाए तो भी नरक में जाना है, और आसन पर अगर नहीं भी बैठे तो भी नरक में ही जाना है। अब एक जगह कथा हो रही थी मेरी, मैंने मैयाओं से पूछा वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए। एक माता जी ने हाथ ऊपर करके कहा फिर तो आसन पर बैठ ही जाओ, क्योंकि जब नरक में ही जाना है भाई, आसन पर बैठ जाएं महाराज जी तो भी नरक में जाना, और नहीं भी बैठे तो भी नरक में ही जाना है, और जब नरक में ही जानो है तो फिर बैठ ही जाओ ना आसन पर। कम से कम पति ने अपने हाथों से मेहनत की, बिछाया, इसका सुख तो लो, इसका आनंद तो लेकर के जाओ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिएगा देवभूति क्या कर रही हैं। अब पति का आग्रह है कि बैठ जाओ, बैठ जाएंगी तो पति ने बिछाया है, इसलिए एक बड़ा सुंदर देवभूति विचार कर रही है। और विचार करना ही सही क्या है गलत क्या है यही देवभूति है, विचार किया है। और देखिएगा आज उस आसन पर तो नहीं बैठी, लेकिन बैठ गई बेचारी, आसन से समीप ही जमीन पर बैठी है, और उस आसन पर अपना अंगुष्ठ रख दिया है, अंगुष्ठ का भी नाखून नख है ना वह टेक दिया है, और पति को इशारा कर दिया स्वामी आपका आग्रह था इसलिए बैठ गई हूँ, स्वीकार है, आसन पर बैठूंगी इसलिए नहीं क्योंकि आपकी सेवा मैं नहीं ले सकती, आपके द्वारा बिछाया हुआ है इसलिए मैं नहीं, ये देवूति हैं, इनके मन में सुंदर भावनाएं इसलिए ये बच गई नरक में जाने से। लेकिन आज के युग में देवूतियां क्या करती हैं पता है, ये आसन की बात है यहाँ पर, तो अगर आज के जमाने में देवूतियां अगर बिस्तर भी लगाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पतिदेव है ना बिस्तर लगा देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसन अगर बिछाए ना तो आकर के बैठ जाएंगी बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं है। और सुनो अगर प्रातः बनने वाली जो चाय होती है ना अगर पति देव के हाथ से बन करके मिल जाए ना, आहा ऐसा आनंद आता है स्वामी, जीवन पर्यंत ना आगे अगर जन्म मिले भी ना तो तुम्हारे जैसा ही पति मिले, बड़ा आनंद आता है। तुम चाय बनाते हो ना, बहुत ही आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं सोचती हूँ कि कैसे बनाऊं लेकिन नहीं बना पाती, और जब तुम बनाते हो ना तो इतना स्वादिष्ट, इतनी आनंदमयी होती है कि पता नहीं चलता। बस अब पति देव बेचारे पत्नी ने आनंद में कह दिया, बेचारी पत्नी सोती रहती है, पति खड़े होकर के पत्नी ने कहा था बड़ी अच्छी चाय बनाते बना रहे, और अगर किसी दिन ना भोजन बना करके खिला देना, आहा बड़ी अच्छी होती है। मर्दों के हाथ का तो आनंद ही कुछ अलग है, तुम्हारा तो भोजन है ना बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा आनंदमय है, ऐसा बात। करें भी क्या, बड़ी समस्या है, लेकिन नहीं, पतिदेव से सेवा लेनी है। कैसी सेवा लेनी है, घर में परेशानी है और पति पत्नी है अकेले, तो देखिए माताओं को भोजन बनाने का जो अवसर मिलता है ना पतियों से वह सेवा, उसमें पाप नहीं लगता। जब मासिक धर्म होता है उस समय पति के द्वारा अगर सेवा करा ली जाए तो कोई परेशानी नहीं, उसका कोई दोष नहीं लगता। फिर तो पति खाना भी बनाते हैं, चाय भी बनाए और सब कुछ करें ना, कोई भी गृह कार्य, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में माताओं को करना भी नहीं चाहिए, यह शास्त्र का विधान है निश्चित रूप से।
तो ऐसी अवस्था मैं पतिदेव कर सकते हैं। अगर वैसे अगर तुम पति से सेवा कर रहा हो, सुनो बिस्तर लगा दो जाकर, बच्चे को सुला दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा जो भाव है ना ये अच्छा नहीं है पति की पत्नी के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा, हाँ परिस्थिति बस, हमारा शास्त्र कह रहा है अगर पत्नी किसी परिस्थिति में है, किसी बीमारी है, परेशान है, तो पति को सेवा करने का अधिकार है। अगर पत्नी अस्वस्थ है तो, क्योंकि संबंध है, जोड़ा है उसका, अर्धांगिनी है उसकी, इसलिए जरूरी है उसकी सेवा उसी को करनी है, कोई और नहीं, अन्य किसी के द्वारा करानी भी नहीं है और अन्य किसी को करवानी भी नहीं है, केवल स्वयं ही सेवा करनी है, बस केवल यह। लेकिन देवभूति करदम जी से कहा है मनु जी ने कि हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? करदम जी ने कहा सुनो मैं विवाह के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं एक सतपुत्र होने के बाद सन्यास लेकर वन में चला जाऊंगा। अब मनु जी देख रहे हैं शादी हुई नहीं, सन्यास की बात पहले कर रहे हैं, कम से कम शादी हो जाती उसके बाद सन्यास की कोई चर्चा चलती तो बात भी मान लेते, शादी तो हुई नहीं और सन्यास की बात पहले कर रहे हैं। अब पुत्री की तरफ देखा है मनु जी ने, बेटी यह तो, लेकिन यह देवभूति है ना, इसलिए करदम जी पसंद है उनको और कह दिया मुझे ऐसा ही पति चाहिए जो कि जितेंद्रिय हो। करदम किसे कहते हैं? करदम कौन होता है? करदम कहते हैं महाराज करदमन, जिसने अपनी प्रत्येक इंद्री का दमन कर दिया है, जो कि जितेंद्रिय है, जो कि इंद्रियों पर संयम नहीं करता है, मन के साथ इंद्रियों को जोड़ दिया है, मन को परमात्मा में जोड़ दिया है, ऐसा महा पवित्र जितेंद्रिय व्यक्ति ही करदम होता है। और ऐसे ही जितेंद्रिय पति की आवश्यकता देवभूति को है, इसलिए विवाह संपन्न हो गया है। और विवाह होने के बाद माता पिता तो चले गए, लेकिन यहाँ देवभूति देख रही हैं कि मैं अपने परिवार को देखूं, अपने घर को देखूं कैसा है। लेकिन यहाँ संध्या प्रेयर बीतना प्रारंभ हुआ है ना, और जैसे ही संध्या प्रेयर प्रारंभ हुआ करदम मुनि समाधि में चले गए, क्योंकि ध्यान अवस्था ऐसा नहीं है कि शादी हुई है तो आज कुछ नहीं करेंगे, शादी हुई है, लेकिन शादी हुई है तो संध्या वंदन, और जैसे ही संध्या समय हुआ संध्या वंदन के लिए आसन पर बैठ गए और नेत्र बंद किया, श्वास अवरुद्ध की, आंखें बंद की और जैसे ही मंत्र उच्चारण किया समाधि लग गई। और सुनो समाधि भी एक दिन की नहीं लगी है, 40 वर्ष तक समाधि में इसी भांति बैठे रहे करदम मुनि। आज ही शादी हुई थी, एक दूसरे से अच्छी तरह से बोल नहीं पाए थे, एक दूसरे को पहचान भी नहीं कर पाए थे और समाधि में चले गए। लेकिन यहाँ पर देवभूति देख रही हैं कि जो परिवार जो घर है ना, वह झोंपड़ी में जगह जगह कहीं मूसा है, कहीं बिल्ली रहती है, कहीं सर्प लटक रहा है, कहीं कोई है कहीं, लेकिन समानता, एक दूसरे के शत्रु होने के बाद भी कोई किसी से कुछ नहीं कहता है, यह समानता उसने देखी है, यह प्रेम उसने देखा है वहां करदम जी के यहाँ पर, और ऐसी समानता उसे चाहिए। और देखिए आज अपने पति की यह सेवा करती रही, 40 वर्ष होने के बाद समाधि को खुला करदम मुनि ने, तो आज अपनी पत्नी को देख करके वो बेहल हो रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारे साथ में बहुत अन्याय किया है, बहुत ही अन्याय। लेकिन आज उन्होंने अपने दीर्घ बिंदु से एक सरोवर को उत्पन्न किया है, जिसमें स्नान करके दोनों ने बहुत सुंदर तरुण अवस्था प्राप्त की है, और उसके बाद में एक बड़ा सुंदर विमान तैयार किया है, इस विमान में बैठ करके ये लोक लोकांतरों का भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित, यह लोक लोकांतरों में भ्रमण करते करते घूम करके जब अपने आश्रम पर आए लौट करके, तो इनके यहाँ उतने समय में 9 कन्याएं हो चुकी थी। अब तो बड़ी समस्या है, 9 कन्याएं हैं, लेकिन आज सर्वेश्वर भगवान का पूजन किया है माता देवभूति ने करदम जी के साथ में, तो भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देने के लिए देवभूति को आए, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन देवभूति ने कहा है प्रभु मुझे केवल यह चाहिए कि आपके जैसा सुंदर पुत्र मुझे चाहिए,
भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ, दुनिया में कहाँ ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, इसलिए तथास्तु मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ रहा हूँ। और वही सुखदेव स्वामी कह रहे हैं माता देवभूति के यहाँ करदम जी के यहाँ भगवान अपने अंश तत्व के द्वारा कपिल के रूप में अवतरित होकर के आए हैं। प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान जय हो। और सज्जनों यह कपिल भगवान भी बड़े होने लगे हैं, पुत्रियां जवान हो गई हैं तो शादी की चिंता लगी उन्हें। ब्रह्मा जी नौ ऋषियों को लेकर के आए और अब आज इन पुत्रियों का विवाह बड़े सुंदर धूमधाम से करा दिया है। देखिए बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर भाव में बड़ी सुंदर पुत्रियों को उन्हें सौंप दिया है। और उसके बाद करदम जी अपने पुत्र कपिल के पास में गए, जो कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर समुद्र के किनारे आश्रम बना करके रह गए। पुत्र मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। लेकिन पिता जब पुत्र को पूछता है तो पुत्र का कहना क्या है? देखिए जब कभी हम अपने कर्तव्य बंधन से निक्तिकरण पालें और किसी कार्य को करना चाहें और पुत्र लायक हो और हमारे बराबर का हो गया हो, तो हर पिता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को परामर्श करना, जैसे कि करदम जी कर रहे हैं। पुत्र मैं संन्यास लेकर के वन में जाना चाहता हूँ, क्या इच्छा है तेरी? तभी आज बड़ा सुंदर कहा है पिताश्री, यह संन्यास से बड़ा धर्म तो कोई नहीं है, और आप संन्यास लेकर जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, चले जाओ। और देखिए आज अपनी पत्नी के पास में करदम जी आ गए, देवी मैं संन्यास लेकर जाना चाहता हूँ, तो यह रोने लगी है। आप संन्यास लेकर के चले जाएंगे, मैं किसके सारे जीवन यापन करूंगी? नाना विलाप किया नाना प्रकार से, लेकिन करदम जी ने समझाया है देवी नारी की तीन प्रधानताएं होती हैं। पहला जो नारी का संयम है जीवन का, वह बचपन जो होता है पिता की देखरेख में ही व्यतीत होना चाहिए, अन्य किसी की में नहीं, केवल पिता की देखरेख में, भाई बंधु पिता माता की देखरेख में व्यतीत होना चाहिए अपने परिजनों के। और दूसरा जवानी, वह जवानी जो है वह पति की देखरेख में व्यतीत होनी चाहिए, उसका मालिक पति है। और तीसरा है बुढ़ापा, बुढ़ापा बुढ़ापे की जो रखवाली है ना, देखरेख है ना, वह पुत्र के हवाले होती है। हमारे पुत्र को हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार संसार में नारी सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित, कोई बाधा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं हो सकती उसे। अगर इस प्रकार की सुरक्षा माताओं को नारियों को नहीं मिले तो बहुत बंधन, बहुत बड़ी समस्या आ सकती है महाराज, इसलिए श्रेष्ठता है। और वही कह दिया है करदम जी ने, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूं, तुम्हारा पुत्र कपिल जो मेरा अंश अवतार है, तुम्हारे जीवन का संरक्षक है, वह ख्याल रखेगा तुम्हारा, वह बहुत बड़ा धर्म जानने वाला है, इसलिए तुम उसके पास में जाकर रहो। करदम जी संन्यास लेकर चले गए, सदगति को पाया भगवत कृपा करते हुए। कपिल के पास में देवभूति आकर के बैठ गई हैं और भगवान कपिल देख रहे हैं कि माँ मेरे पास में आ तो गई है, लेकिन यह पूछना चाहती है, लेकिन शर्मा रही है पूछने में। तो भगवान कपिल ने कहा है माँ तुम क्या जानना चाहती हो बताओ। तो देवभूति ने कहा है पुत्र मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चा आनंद जीवन में कहाँ मिलता है, यह मेरी जो इंद्रियां है ना, यह विषय मांगती है मुझसे और मैं इन इंद्रियों को विषय देते देते थक गई हूं, अब मुझे सर्वस्व सुख की प्राप्ति करनी है, तो मुझे यह बताओ कि सच्चा सुख कहां मिलेगा। भगवान कपिल ने कहा है मां यह संसार का जो जीव है ना, यह आनंद को खोजने की प्रक्रिया जो कर रहा है ना, घर में मकान में नौकरी में परदेश में पत्नी में बच्चों में, यहां आनंद खोज रहा है। लेकिन हे माँ यह जो आनंद है ना, सर्वस्व बड़ा आनंद, बड़ा महसूस अच्छा लगने वाला है ना, यह अंत में विष के समान होता है। और बड़ा सुंदर कहा है आज, हे माँ सर्वस्व सुख की जो प्राप्ति तुम करना चाहती हो ना, वह तो केवल एक ही जगह पर है, परम पिता परमात्मा की शरणागति अगर प्राप्त हो जाए ना किसी सदगुरु के द्वारा, तो आनंद ही आनंद है माँ। इस जीवन में तुम्हें अपने लिए एक सदगुरु को बनाना है, और जब तक तुम्हारे जीवन में कोई सदगुरु नहीं आएगा तब तक परमात्मा रूपी मार्ग नहीं दिखेगा, और जब तक परमात्मा रूपी मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं देगा तब तक अंधकार में रहोगे, इसलिए तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
तब तक तो केवल फिर तो यही है केवल घर मकान यह वो इसी माया के जंजाल में तुम पड़े रहोगे भैया। इसलिए संसार में आकर के भजन करना बहुत ही अनिवार्य है। माँ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जमीनों में तुरबत गड़ेगी या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। रात की बात होगा सवेरा, देखना दिन है कितना सुनहरा।
सुनहरा और पाव फूलों पर रखने से पहले पाव फूलों पर रखने से पहले पाव फूलों पर रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा ओ पाव फूलों पर रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा ओ जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा सपना जवानी आ गई और इस जवानी के मद में भूल जाता है सब कुछ लेकिन सुन ये जवानी को देख करके तू इतना फूल रहा है ना महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है ये जवानी है दो दिन का सपना ढूंढ ले कोई महबूब अपना ढूंढ ले कोई महबूब अपना ये जवानी अगर ढल गई तो ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा ओ जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुमको आवाज देगी मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा तस्वुर है जो से जवानी बस अपनी तो ये ही कहानी कहानी बस अपनी तो ये ही कहानी कहानी बस अपनी तो ये ही कहानी और ये फिजा शाम तक देख लेना ये फिजा शाम तक देख लेना चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा पड़ेगा चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा ओ जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुमको आवाज देगी मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा
मौत जब तुझको आवाज देगी, कर से बाहर निकलना पड़ेगा, कर से बाहर निकलना पड़ेगा, कर से बाहर निकलना पड़े। इसलिए ये किराए का जो घर लेकर के बने बैठे हैं ना, छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब छोड़ के जाना ही है या रहना ही नहीं है, तो इसमें जो आए हो वह करके तो जाओ। क्या करने आए हो, क्या करोगे यहाँ करके? इसे जो करने के लिए आए हो वह करने लग जाओ। और भगवान कपिल कह रहे हैं माँ देवभूति से, माँ इसलिए संसार में भजन करना जरूरी है। अगर भजन नहीं किया ना तो कुछ भी मिलने वाला नहीं, इसलिए भजन आवश्यक है, भजन करना है। लेकिन आज माता देवभूति कह रही है, मैं भजन कैसे करूं, मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, मैं किसे गुरु बनाऊं? भगवान कपिल ने कहा है, माँ अगर तुम्हें गुरुओं का दर्शन नहीं हो रहा है ना, तो सबसे बड़ी पापिनी हो तुम। क्योंकि जब तक हम स्वयं संतमय हृदय नहीं बनाएंगे, गुरुमय हृदय नहीं बनाएंगे, मन गुरुमय नहीं करेंगे, तब तक संतों का दर्शन या गुरुओं का दर्शन होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। और देखिए आज देवभूति माता ने देखा है कि यह मेरा पुत्र जो कपिल है ना, यह बड़ा महाज्ञानी है और ऐसे उपदेश दे रहा है मुझे, यह बहुत अच्छी उपदेश। और बड़ा सुंदर कहा है आज माँ, बड़ी सुंदर ज्ञान को दे रहे हैं। नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। माँ भगवान की भक्ति है ना, ये नौ प्रकार की, और इन नौ भक्तियों में से एक भक्ति को भी अगर कर लिया ना तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। केवल एक भक्ति के अनुसरण पथ मार्ग पर जीवन का जीवन चल जाए ना, या जीव चल जाए तो कल्याण हो जाएगा महाराज। बड़ा सुंदर लिखा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, उनकी शरणागति में रहो, उनके उपदेशानुसार कार्य करो। दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, भगवान की सुंदर कथाओं के प्रसंगों को इस आधार से सुनो जैसे कि बताया जा रहा, उसका अमल करो तो दूसरी भक्ति है। और कोई भी एक भक्ति कर लो। अब बड़ा सुंदर का है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन कर रहे कपट तजगान। गुरु के कमल पद रज की सेवा करना निश्चल भाव से, यह तीसरी भक्ति है। कपट को नहीं छोड़ करके निश्चल प्रेम करना, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। जो गुरुजी ने बताया मंत्र है ना, उसकी दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर लेना, अपने हृदय के रंग रंग में समाधिष्ट कर लेना दृढ़ता से, यह पांचवी भक्ति है। छठ मम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कभी भी किसी को कटु वचन न कहा जाए, वाणी पवित्र होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल कर आप शीतल हो। सरलता। और बड़ा सुंदर का है, सातम सम मोहे मैं जग दे। संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोष, आठम जथा लाभ संतोष, सपने हु नहीं दे हैं पर दो, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोसा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोसा। नवम सरल सब सन चल ही ना, मम भरोस ही हर सन दी। हाँ ने
जीवन मरण यश अपयश विधि। सातवीं भक्ति बताई है, सातम सम मोए मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर ले। संसार मैं लेकिन मुझसे भी बड़े मेरे संत ब्राह्मण। और आठम जथा लाभ संतोषा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। याद किसी भी परिस्थिति में पराए अब गुणों को दोषों को सपन में भी मत देखो भैया। यही सोचो कि दूसरे का सदा कल्याण हो, भला हो। मैंने कल भी आपसे कहा था। और सरलता का प्रतीक सद्विचार सद्भावनाएं ऐसी रखना, इन सबके प्रति हमारी नौमी भक्ति है। ऐसा सद ज्ञान दे रहे हैं भगवान कपिल, तो ऐसा लग रहा है माता देवहूति को कि यह सदगुरु तो यहाँ बैठा हुआ है और मैं संसार में किसे ढूंढूं। और जो कि मैं अपने ही मेरे सामने बैठे हुए सदगुरु का मैं दर्शन नहीं कर पा रही। और इसलिए आज माता देवहूति ने अपने पुत्र ही कपिल को अपना गुरु बना लिया। और भगवान कपिल ने ऐसा उपदेश किया आज, और बड़े ग्रहणता से उस गुरु के उपदेश को सुनती नहीं है। और ये देखिएगा उस सुंदर मैं उपदेशों को सुनते सुनते माता देवहूति तरल हो गई हैं। और देखिए तरल हो गई, इतना तरल इतनी सरल हुई और इतनी सरल हुई हैं, उस सरलता के भाव में तरल बन करके बहने लगी हैं। देखिए यही माता देवहूति यहीं बैठे बैठे सिद्धा नाम की नदी बह करके निकल पड़ी और दुनिया का कल्याण करने लगे। प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान की जय हो। आगे स्वामी सुखदेव जी ने कहा है माता देवहूति का जो वंश था यहीं स्थगित हो गया है, क्योंकि कपिल ने विवाह नहीं किया है। उसके बाद में आकूर्ति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ है, जिनके यहाँ यज्ञ नाम से भगवान पधारे और दक्षिणा नाम से माता लक्ष्मी, जिनका विवाह ब्रह्मा जी ने किया है। और उसके बाद इनके यहाँ तोष प्रतोष संतोष आदि 12 पुत्र हुए। इनका जो वंश है ये आगे तक बढ़ता चला गया। और उसके बाद में देखिए तीसरी कन्या हुई है मनु जी की, जिनका नाम है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। इनके यहाँ पर 16 कन्या हुई है साथियों, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में किया है, 1 कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ किया है, 1 कन्या का विवाह पितरों के साथ किया और 1 कन्या जिनका नाम है सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ में किया। वैसे एक बात बताऊं ना, अब तुम्हारा मन है ना मैया कथा में नहीं लग रहा है। अब लग क्यों नहीं रहा यह मैं बताऊं। एक माता जी थी परीक्षित महाराज, और उन्होंने किसी ब्राह्मण को किसी संत को न्योता दे दिया घर खाने के लिए बुलाने के लिए। अब न्योता तो दे दिया, महाराज जी आ गए। अब जब निमंत्रण दे दिया वो पधार गए ना, तो मैया ने बड़े व्यंजन बनाए थे और कई थालियों में वो व्यंजन लगा करके रख दिए महाराज जी के लिए। बड़े कई थालियों में व्यंजन आए, इतने व्यंजन बनाए। बड़ी प्रसन्न थी कि मैं भोजन कराऊंगी आज। लेकिन उसी समय ना माता श्री ने पापड़ और बनाए थे उन्हीं की खवाने के लिए, लेकिन वह पापड़ बना करके ना अलवारी में रख दिया था। मतलब एक पत्थर लगा हुआ था सामने ही रखे थे कि महाराज जी आएंगे तो यहीं से परोस दूंगी, लेकिन वह पापड़ परोसना भूल गई बेचारी और थाली परोस गई। और महाराज जी का मन है ना सामने रखे थे ना, इसलिए पापड़ों के पास में गया, ये पापड़ आ जाए तो भोजन चालू करूं। लेकिन मैया पापड़ परोसना भूल गई, और जब पापड़ परोसना भूल गई और महाराज जी से कह रही है, निवेदन कर रही है, अरे महाराज जी पंडित जी भोजन करो, ग्रहण करो, भोजन शुरू करो। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं पापड़ तो आए नहीं। मन में विचार है, ऐसे नहीं कहा कि नहीं है, मन में विचार है कि ये आ जाए तो ही शुरू करें। लेकिन एकदम से जब मैया ने पापड़ नहीं परोसा, बार बार कहीं के शुरू करो, तो एकदम से कहने लगे महाराज जी सुनो मैया शुरू का करें, आज तो बाल बाल बचे। मैया ने कहा हाय राम, बाल बाल कैसे बचे, कहाँ है गयो। महाराज जी ने कहा मैया ये मत पूछो कि कहाँ ना भयो, लेकिन माता श्री ने कहा मेरे यहाँ भोजन करने आए, कहाँ बात है गई बताओ तो सही। और तो वही महाराज जी बड़े सुंदर भाव में कहने लगे मैया जब मैं मार्ग में आ रहा हूं ना तो मुकु इतनो कालो भयंकर नाग मिलो, सांप। हाँ मैया बहुत भयानक बड़ा लंबा। अब मैया बड़ी बोली वाली कहने लगी बाबा महाराज जी पंडित जी कितना लंबा था वो सांप।
महाराज जी ने कहा मैया वो सांप ना वो नागराज इतने लंबे कि मैं यहाँ बैठा हूं ना यहां से वो पापड़ रखे ना वहां तक। और सज्जनों जैसे ही कहा ना कि महाराज जी ने कि वो पापड़ रखे हैं वहां तक, मैया को तुरंत याद आ गया हाय राम। जय श्री राधे, श्री राधे। राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण। जैसे कहा कि वो पापड़ महाराज जी याद आ गई मैया को पापड़ हाय राम, पर उसना ही भूल गई और आकर के पापड़ परोस दिए। महाराज जी कहने लगे मन में यह सांप भी तो इसलिए आया था कि यह पापड़ परोसे नहीं है तुमने, और वही ख्याल मुझे तुम्हारा लग रहा है, अब मन कथा में नहीं लग रहा, अब तो प्रसाद बना रखा है। महाराज जी सांप कितना लंबा, हम यहाँ बैठे ना यहाँ से और वह प्रसाद वहां रखा है इतना लंबा, अब तो कैसे आरती हो जाए और मिल जाए ना और हम चले अपने घर के लिए। वही हालत तुम्हारी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, लेकिन थोड़ी देर का सब्र और कर रहे हैं। और देखिएगा बड़ा सुंदर है प्रसूति, और उनके यहाँ पर जो पुत्री हैं सती उनका विवाह भगवान शंकर के साथ में हो गया है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष पद दे दिया, प्रजातियों का प्रधान श्रेष्ठ बना दिया। आज के जमाने में थोड़ा सा पद कहीं मिल जाता है ना तो बड़ा अहंकार सा आ जाता है उस व्यक्ति को, लेकिन इसे दुनिया का सभासद बना दिया, इसलिए अहंकार तो आना स्वाभाविक है। सभी सभासदों को एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, सभी को बुलाया, सभी उपस्थित हैं, देवता जन सभी आए हैं, या ब्रह्मा जी विराजमान हैं, भगवान शंकर भी विराजमान हैं, दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में आए सभी ने खड़े होकर के सत्कार किया, लेकिन यह ब्रह्मा जी बैठे ही रहे, भगवान शंकर भी बैठे रहे। यह दक्ष देख रहा है यह ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं कोई बात नहीं है, लेकिन यह जो शंकर है इसने खड़े होकर के सत्कार क्यों नहीं किया है बताओ। अब देखिए एक बात और है, दुनिया में अगर 100 लोग हमारा सम्मान कर रहे हो और एक व्यक्ति नहीं करे तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान कहां देना है, जो 100 लोग सम्मान कर रहे हैं ना उनकी तरफ ध्यान दो कि यह मेरा सम्मान कर रहे हैं, उसमें आनंदित हो जाओ। एक व्यक्ति सम्मान नहीं कर रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मत करो। लेकिन यह 60 व्यक्ति के होते हैं जो दैत्य प्रवृत्ति के और 60 लोग होते हैं अभिमानी लोग होते हैं ना, वह ऐसा करते हैं। एक भगवान शंकर के सम्मान न करने पर रुष्ट हो गया यह दक्ष और बुरा भला कहने लगा, पाखंडी ढोंगी अवधूत अमंगल भेद धारण करने वाला, मैंने अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ कर दिया, अच्छा नहीं किया है, और बकवास करने लगा भगवान भोलेनाथ के प्रति, तो नंदी ने खड़े होकर के श्राप दे दिया है। अरे ओ राजा दक्ष, मेरे स्वामी भगवान शिव के प्रति ऐसे बकवास शब्द तू कह रहा है ना, तेरा यह मुख है ना इसी जन्म में बकरे का हो जाएगा। लेकिन यहाँ विवाद बढ़ रहा है साथियों, शिव भक्त वैष्णव भक्तों को श्राप दे रहे हैं और वैष्णव शिव भक्तों को श्राप दे रहे हैं, भगवान शांति का प्रतीक है इसलिए अपने गणों को लेकर चले गए। लेकिन उसके बाद में बृहस्पति पशु चर्म नामक यज्ञ पुनः किया है दक्ष ने, और देखिए सभी को न्योता दिया है लेकिन आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया है, यह ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। दुनिया में सबको न्योता दिया लेकिन भगवान भोलेनाथ को न्योता नहीं दिया है। और देखिए विमान है ना, यह सभी लोगों के विमान कैलाश के ऊपर होकर के आ रहे हैं, तो भगवान
भोलेनाथ के पास में जाकर के माता सती अपनी सखियों में जो आनंदित हो रही थी ना, बातें कर रही थी, वही देखती हैं तो भगवान के पास जाकर के कह रहे हैं, सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। माता सती ने सुंदर से विमानों को जाते हुए देखा तो आज भगवान भोलेनाथ को आकर कहा है, पूछे तब शिव कहे ओ बखानी और पिता यज्ञ सुने कछु हरसानी। भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है इसलिए यह सभी विमान है ना आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। देवी तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। अब तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं, अहम च तस्मिन् भवता विकामहे सहोपनोतम पर वहर महिर्तुबम। और बड़ा हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, पिता भवनोत्सव परम। हे प्राणनाथ प्रियतम, मेरे पिताजी के यहाँ उत्सव हो रहा है। देखिए सती कितना सुंदर कह रही है, हाथ जोड़ के वैसी प्रार्थना करनी, हे भगवान मेरे प्राणनाथ प्रीतम को। बड़ा सुंदर कह रही है कि मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, मेरे पिताजी के यहाँ। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। अगर पिताजी की यहाँ पर यज्ञ चल रहा है तो फिर मैं चली जाऊं, मैं भी तैयार हो जाऊं, मुझे भी भेजोगे आप चलोगे ना, आप भी चलो। लेकिन भोले बाबा ने कहा नहीं हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने हमें न्योता नहीं दिया है। लेकिन माता सती कह रही है सुनो, यह गुरुजी के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिताजी के यहाँ तो बिना निमंत्रण के भी चले जाते, बहुत बड़ा यज्ञ है ना मेरे मायके के यहाँ। और इतने बड़े यज्ञ में अपनों को भूल भी जाए तो क्या है, अपनों को तो जाना चाहिए ना। देखिए अगर मायके में पत्नी किसी भी मैया के मायके में बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो रहा है ना तो याकू कह या पड़ोसी को बुला, या पड़ोसी को तैयार कर लेके जाए, बड़ा हर्ष बड़ा आनंद होता है उसे। और सती कह रही है आप भी चलो ना, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। जब भोले बाबा ने कहा सुनो, तद्दप्य विरोध मानह जहां कोई और तहां गए कल्याण न होई। देवी जहां पर जाने में कोई बुराई मानता है, यज्ञ अगर निष्फल हो जाए तो वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज और बड़े सुंदर भाव में भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं और माता सती कह रहे हैं। अब देखिए एक बात और कह दी है, जब अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और भगवान ने जाने के लिए मना कर दिया तो फिर क्या कह रही हैं बड़े प्यार से, सुनो तुम्हारे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो ना स्वामी चलो। और भगवान शिव कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा सुंदर आनंद भजन बता ऐसो है समय सुहानो भोले जी मोहे मायके को जानो, ऐसो है समय सुहानो भोले जी मोहे मायके को जानो, ऐसो है समय सुहानो भोले जी मोहे मायके को जानो, मायके को जानो मोहे पीहर 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 को जानो, ऐसो है समय सुहानो भोले जी मोहे मायके को जानो, ऐसो है समय सुहानो भोले जी मोहे मायके को जानो।
जानो। शंकर भगवान कहते हैं, ओ मत अपनी जिद ठानो, सती नक भोले की मानो। मत अपनी जिद ठानो, सती नक भोले की मानो। भोले की मानो ने कसिबहु की मानो, भोले की मानो ने कसिबहु की मानो। मत अपनी जिद ठानो, सती नक भोले की मानो। Oh,
माय के कुजा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सती जी से भगवान शंकर कह रहे हैं, सती जी से आज हर शंकर से सती जी कह रही भोला पीहर देव भिजवाए याद माते की आए रही भोला पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही ओ पिया पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही भोला पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही शंकर से सती जी कह रही ओ शंकर से सती जी कह रही ओ प्रियतम से सती जी कह रही आ प्रियतम से सती जी कह रही ओ भोला पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही भोला पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही गगन में उड़ रही ऐसी धूल गगन में उड़ रही ऐसी धूल गगन में उड़ रही ऐसी धूल गगन में उड़ रही है पिता की जय जयकार याद मात की आए रही है पिता की जय जयकार याद मात की आए रही जय हो। और देखिए जो भी भक्त भोले बाबा का पूजन करना चाहता है एक एक करके आएंगे पूजन करेंगे सभी। स्वामी जिस दिन से ब्याह करके तुम मुझे लाए हो ना अभी तक मैं मायके नहीं गई हूँ इसलिए मुझे वहां सभी याद करते होंगे। बड़ी सुंदर कह रही हैं आज मुकु याद करे मह तारी है मुकु याद करे मह तारी है मुकु याद करत मह तारी है मुकु याद करत मह तारी है और नहनी पड़त फुवार और नहनी पड़त फुवार याद मात की आए रही और नहनी पड़त फुवार याद मात की आए रही शंकर से सती जी कह रही ओ शंकर से सती जी कह रही स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही भोला पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही Thank you.
सती का सुनो, भोले बाबा ने कहा नहीं जा सकती हैं आप, हमें नहीं जाना, वहां न्योता नहीं आया है, लेकिन मैया कह रही हैं मुकु भेज के भोला देख ले, मुकु भेज के भोला देख ले, एक बार भेज के देखो मुझे, अब की बार भेजो तो तुम फिर देखूंगी, तुम्हें हाथ न लगा दिया ना तो मेरा नाम भी सती नहीं है। कभी कभी मैयाएं धमकी देती हैं ना ऐसी, है? बहुत दिन हो गए जाने नहीं दे रहे हो ना तुम, अब की बार चले जाने तो फिर देखूंगी। और माता सती कह रही है आज, मुकु भेज के स्वामी देख ले, मुकु भेज के स्वामी देख ले, सब लूंगी बदलो निकाल सब।